इसमें लग रहा मैंने रही लीगल एजुकेशन कमेटी और सेमिनार एंड सिंपोजियम कमेटी की तरफ से फॉर्मली हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है और आज तक हमने 7 लेक्चर्स यहाँ पे डिलीवर किए हैं और आज टाइम है 2 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। जो कुछ हमने सीखा है ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि जितने मर्जी आप लेक्चर्स अटेंड कर लें, जितनी मर्जी आप PhD डिग्रियाँ हासिल कर लें, अगर वकालत करेंगे नहीं तो वकालत करनी आएगी नहीं, अगर लिखेंगे नहीं तो प्लेन पर लिखनी नहीं आएगी, अगर बोलेंगे नहीं या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहस करनी नहीं आएगी, अगर कागजात हाथ से गुजरेंगे नहीं तो कागजात पढ़ने नहीं आएंगे। इसी फिलॉसफी के साथ आज की जो हमने एक्सरसाइज की है वो आपके सामने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की मौजूद है। डिटेल के अंदर जाने से पहले हम लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से ख़ास तौर के ऊपर खुशामदीद कहेंगे हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल और लीगल एजुकेशन कमेटी की जान सिकंदर हयात नंगाना साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ से सारों की तरफ से आपके सामने जितना काम हुआ है जो मामलात है उनके अंदर मुकम्मल तौर पर उनको इनेबल करने के लिए भाई का भी बहुत अमल दखल है, भाई की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है तो ये भी आज हमें ज्वाइन करेंगे। मैडम रुश्ता लोधी और हम तो आपके सामने बीच में ऑलरेडी मौजूद हैं, फिर एक्नॉलेज करते हैं हमको। आज की जो एक्सरसाइज है एक सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे के ऊपर बेस्ड है और आज हमने आपसे यहाँ पे करना लाइसेंस के बगैर वकालत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज पंजाब बार काउंसिल के अंदर हम आप लाइसेंस के बगैर ही अगर आपके पास नहीं भी है तो वकालत करवाएंगे। उसका तरीका क्या है आपको भी हम फैक्ट्स वगैरह बताएंगे। इन मेज़ों के ऊपर बैठे हुए तमाम जितने दोस्त हैं बल्कि इस वाली साइड के ऊपर बैठे हुए दोस्त प्लेंटिफ की तरफ से हैं आज ये दो रोज़, और यहाँ से 2 सीट्स के ऊपर जो दोस्त बैठे हुए हैं वो रिटन स्टेटमेंट तैयार करेंगे डिफेंडेंट की तरफ से, और इधर के जितने सारे के सारे दोस्त हैं आप मुकदमे के रिटन स्टेटमेंट वगैरह, एक एक्चुअल मुकदमा जिसके लिए मैं रिटन स्टेटमेंट भी बनवा रहा हूँ और आपसे प्लेंट बनवा रहा हूँ उस पर आप बहस करेंगे, एविडेंस भी हम आपको पकड़ाएंगे ताकि ये चीज़ सारी आपके हाथ से गुजरे। यहाँ पर आके आप जज साहब के सामने बहस करेंगे और उसके मुताबिक आगे देखेंगे क्या होगा। आज जो गुफ्तगू वगैरह होगी वो ब्रेक के बाद, इस केस के अंदर फैसला भी हो चुका हुआ, ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइड हो चुका हुआ इसके अंदर, लेकिन हम सिविल कोर्ट का फैसला फिर आपको ब्रेक के दौरान दे देंगे। खाना खाइए, साथ पढ़िए और उसके बाद फिर आपने अपील भी तैयार करनी होगी और अपील लेके यहाँ पे आप आएंगे और सारे दोस्त अपील भी रिकॉर्ड कर अपील भी यहाँ पे बहस करेंगे ताकि ये जो चीज़ें सारी की सारी करनी है, एविडेंस है कि आप पढ़ते कैसे हैं, प्लेंट है क्या कैसे पढ़ते हैं, जवाब दावा क्या है और इसको इस्तेमाल करके इश्यूज़ क्या हैं, इसको इस्तेमाल करके खेलते कैसे हैं, बहस कैसे करते हैं, मुकदमा कैसे जीतते हैं, आज उसका आपका पहला कदम होगा, आपने पहली स्टेप आज लेनी है। केस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, प्लीज़ अपने कागज़ कलम और निकाल लीजिए, कागज़ ये निकाल लीजिए। पहले मैं प्लेंटिफ को उनके फैक्ट्स लिखवा देता हूँ। प्लेंटिफ जो हैं आप भी साथ बाकी दोस्त भी नोट करते रहें, आपके क्लाइंट्स 3 बहनें हैं, तीनों बहनों का नाम है जैनब बीबी, हमीदा बीबी, फिरोज बीबी। ठीक है भाई, 3 बहनें हैं, जैनब बीबी, हमीदा बीबी, फिरोज बीबी। ज्यादा उम्र की अब है, रेलेवेंट टाइम के ऊपर भी अज्यूम कर लें कि सारे मेजर थी, 18 से ज़्यादा की थी। इनकी बाप का नाम है कमरदीन, और इनका एक भाई है, भाई आ जाता तो मुमन क्या होता है प्रॉपर्टी के साथ, भाई को गिफ्ट हो जाती है। तो दावा आपने बेसिकली प्लेंट ये बनानी है कि एक म्यूटेशन हुई, आप लेट्स अज्यूम ये वाला दावा जमा करवाया जा रहा है यार, इसका एक आप भाई का नाम है जी, कुछ भी कर सकते हैं वगैरह, अब बट आप चले मोहम्मद अयूब कर लें। ठीक है, ठीक है?
ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहिए, मैं मोहम्मद अय्यूब की तरफ से पेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो बात तो इसके अंदर ये है कि ये आ गए नाम और देखिए फैक्ट्स इसके अंदर बेसिकली ये है कि इसमें दावा जमा करवाया गया, एक म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन नंबर 741, कमरदीन करता है, पेश होता है, जमीन अच्छा है 89 कनाल जमीन है, मौजा बाजतपुर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कसूर, ठीक है, बाजतपुर, कोई भी कसूर का कुछ भी लिख लो यार, बाजतपुर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कसूर, 28/3/88 को गिफ्ट की एक म्यूटेशन होती है जिसके जरिए कमरदीन गिफ्ट कर देता है अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटे को अय्यूब को, ठीक है, आप बहनों की तरफ से हो, आप अय्यूब की तरफ से हो, सारे के सारे गिफ्ट कर देता है और फिर कमरदीन फौत हो जाता है 1/8/88 को। ठीक है, साल 2006 के अंदर आप बहनों की तरफ से दावा कर रहे हैं म्यूटेशन को चैलेंज करना, ये वाली साइड। अगर कोई सवाल है किसी फैक्ट्स के ऊपर तो जरूर पूछ लीजिएगा, इस मवाद के ऊपर बिस्मिल्लाह करें, दावा आपने बनाना है किस नौयत का दावा बनेगा, क्या कागज के ऊपर आपने बनाना है, किस तरह चैलेंज करना है, म्यूटेशन आपको बता दी है उसके मुताबिक आप करें। फैक्ट्स अगर आपने पूछने होंगे पूछ लीजिए। आप दोस्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, एक दावा ऑलरेडी इसके अंदर जमा हो चुका हुआ है, दावे की कॉपी आके मैं आप ये वाले दोस्त भी, दोस्तों की जो लाइन है इन आप सारों को भी बीच में दे देता हूँ, आप मेहरबानी करके रिटन स्टेटमेंट बनाएंगे किसकी तरफ से, अय्यूब की तरफ से, रिटन स्टेटमेंट में जो आपका डिफेंस है वो भी आप सेटअप करेंगे, और ना सिर्फ डिफेंस के साथ फिर आप पैरावाइज जवाब भी सारे का सारा देंगे। और आप दोस्त जो सारे इधर मौजूद हैं, आपको मैं दावे की कॉपी, आपको मैं रिटन स्टेटमेंट की कॉपी, और आपको मैं साथ एविडेंस भी दे रहा हूँ बहस के लिए, आपने उसके ऊपर अब काम वगैरह करना है, कोई ना कोई केस बनाना है, आपकी सही जवाब गलत वगैरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन आपने तैयारी कैसे करनी है, क्या बहस करेंगे, विटनेसेस ने क्या कहा, किस तरीके से खेलेंगे, वो चीज़ें आपने सारी की सारी देखनी, ठीक है। आप प्लेंट वाले दोस्त आपस में मिलके जिस तरह भी प्रोसीड करना आप ये कीजिए, आपको मैं कागजात अभी मेरा लड़का आपको दे देता है सब, आपको दावे की कॉपी मैं दे रहा हूँ, सॉरी जी कर आप कर लीजिए ना जी, बनाइए बिस्मिल्लाह, उर्दू में कर लें, इंग्लिश में कर, हाँ उर्दू अंग्रेजी में, ये दावा सारे के सारे दावा जात उर्दू के अंदर हुआ है, एविडेंस भी सब कुछ उर्दू में, फैसले अंग्रेजी में आए, दोनों चीजें पढ़ एक ही जुबान में लिखना है, बाइलिंगुअल नहीं, हाँ या उर्दू में या इंग्लिश में, जिसमें दोनों में कर सकते हैं, सोशल मीडिया वाली लैंग्वेज भी लिख दी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तमाम दोस्तों को एक तो वेलकम बैक। जो दावा था आप तमाम दोस्तों के साथ बनाने के लिए हमने बहुत बेसिक फैक्ट्स आपको बताए थे, खास तौर पे जो दोस्त दावे बना रहे हैं, चंद इश्यूज हमारे भाई नंदाना साहब भी इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत एड्रेस करेंगे कि इसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, किस चीज़ के बारे किस तरीके से करना चाहिए। आपके लिए चंद प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी और मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर नज़र आनी थी लिमिटेशन की, राइट तारीखें आपके लिए रेलेवेंट थी कि कब एक मसला तो उसके ऊपर मंगान साहब बात करेंगे बीच में, रेलेवेंट रिलीफ वगैरह क्या है, क्या रिलीफ मांगनी चाहिए थी, किस चीज़ का दावा जमा करवाना था वो मंगाना साहब उसके ऊपर बात करेंगे, आपसे हमने शेयर कर लिया हुआ एक्चुअल इसके अंदर दावा क्या हुआ था, इश्यूज़ आपके आने थे, गिफ्ट को आपने तोड़ना कैसे है अगर ऑलरेडी हो गया हुआ है, आप में से किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा था कि गिफ्ट ओरल है अलहदा हुआ था,
कि रिटर्न अग्रीमेंट था, कोई गिफ्ट डीड मौजूद है, क्या है वो आपने अपने दावे वगैरह के अंदर आप अपने क्लाइंट से ये आपको क्लियर चीज़ें पूछनी चाहिए थी, क्योंकि जिस चीज़ को तोड़ना है अभी के लिए तो आपका दावा सिर्फ म्यूटेशन का बनता है और आप रिज्यूम करेंगे जी ओरली हुआ है। बात ये थी कि आपने ये भी बीच में इसमें देखना था कि म्यूटेशन हुई है तो उसका अंगूठा शंगूठा लगाए कि नहीं, तो फिर वो बंदा आया था कि कोई और आया था, वो बंदा फौत हो गया हुआ है, उसका अंगूठा कंपेयर हो सकता है कि नहीं। एक क्वेश्चन ये आना था सर, ये प्लीज प्रोजेक्टर जरा चालू करवा दीजिए पीछे जो ऑलरेडी चालू है, और ये USB तो दे दीजिए ना यार, चाबियाँ प्लीज चाबियाँ वापस दे दीजिए, ये पकड़ने आपने। तीसरा, पार्टियां आपकी कौन, पार्टीज कौन कौन सी होंगी, किसके खिलाफ आप बीच में कर रहे होंगे, भाई के खिलाफ आपने दावा किया होगा। एक बेशुमार प्लेंट्स में जो गलतियां मैंने ऑलरेडी देखी हैं और जो अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रही हैं, वो प्रिंसिपली सबसे ज़्यादा मुझे गलती इसके अंदर ये नज़र आई है दोस्तों की, कि आपने तो बेसिक जो ड्राफ्टिंग की चीज़ें हैं कि कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ वो तक पैराग्राफ नहीं लिखा, कब राइज हुआ वो तक पैराग्राफ नहीं लिखा, किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ वो तक आपने नहीं लिखा। आपने जो बेसिक लवाजमात हैं जो कि अगर आप ये केस को कहते हैं CPC अगर आप पढ़ें और CPC की ये बैकग्राउंड के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह ये लिखी हुई हैं वो तक आपने नहीं लिखी। तो सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को ये कहूँगा कि CPC के एंड में जो अपेंडिक्स बना हुआ जिसमें दावे बने हुए हैं यार, बने हुए वो आपको दिखा रहे हैं, वो आप मेहरबानी करके देख लें, या कोई लॉ ऑफ प्लीडिंग्स की किताब एम महमूद की बहुत अच्छी किताब है जिसमें दावों की उन्होंने अच्छे हैं बुरे हैं वो मैं उनके अंदर नहीं जाऊँगा, काफ़ी गलतियाँ हैं, लेकिन कम से कम बना के तो दिखा दिए होंगे ताकि आप देख तो सकें कि भाई बनाना क्या है। और हर दावे के अगर आखिरी 3 पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है कि मालियत कितनी इन्वॉल्व है, वो क्यों हम लिखते हैं, उससे क्या आपके मुकदमे की सेहत पर फ़र्क पड़ता है, कोर्ट फीस का भी असर होता है और इंस्टीट्यूशन कहाँ पे होनी है और उसकी अपील कहाँ पे जाएगी उसकी सेहत के ऊपर भी असर पड़ता है। दूसरा, एक पैराग्राफ लिखते हैं कि कब आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वो लिखने की क्या जरूरत होती है, लिमिटेशन का सवाल वगैरह होता है, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लिखनी लाजमी है, वो यहाँ पे दोस्त भाइयों ने नहीं लिखी। अब दावा किस नौयत का होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भाई किसको कहते हैं नकाना साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो थोड़ा सा गाइड करें। कि सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, अभी जैसे मिसाल के तौर पे ये 3 मेरे पास प्लेंट्स हैं डिफरेंट आप लोगों ने जो लिखी हैं, तो अहमद भाई जिस तरह बता रहे थे, सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना होता है बतौर वकील जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है अपना मैटर लेके, कि इसकी फॉर्मेशन ऑफ सूट बेसिकली हमने देखना होता है सिविल केस जब हम तैयार करने जाते हैं, तो ये कौन सा दावा बनेगा। जैसे आज की सिचुएशन जो अहमद भाई ने आपको बताई थी, तो उसका जो दावा है बेसिकली वो बनना है डेक्लेरेटरी सूट, इस्तकरार हक जिसे उर्दू में कहते हैं, और उसके साथ आपने कैंसिलेशन ऑफ दैट स्पेसिफिक म्यूटेशन जो है वो भी सीख करनी है। अगर आप अपने दावे में अपने उसकी कैंसिलेशन सीख नहीं करेंगे तब तो भी वो दावा मुकम्मल नहीं है, क्योंकि जो म्यूटेशन हो गया है जिसे आप बेसिकली चैलेंज करने जा रहे हैं, अगर आप उसकी कैंसिलेशन ही सीख नहीं करते और सिर्फ अपने हैंड नोट पे लिख देते हैं, जैसे मेरे पास एक दावा है जिसमें लिखा हुआ है सूट फॉर डेक्लेरेशन इज़ नॉट सफिशेंट, इसके साथ आप लिखें जो आपका कॉन्सिक्वेंट मतलब जो आपको रिलीफ चाहिए वो भी आप साथ लिखें कि हमने म्यूटेशन नंबर सो एंड सो जो है उसकी कैंसिलेशन भी आप सीख करें। दूसरी बात इसमें जो अहम है अहमद भाई ने वो आपको थोड़ी सी बता भी दी कि आपने जो दावे की सिविल दावा जब हम लिखते हैं तो उसकी बुनियादी 3-4 चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी है कि वो हमने शुरू से कहाँ से करना है। फॉर्मेशन सबसे बुनियादी चीज़ है जो मैंने आपको जैसे गुजारिश की, उसके बाद अगली जो चीज़ है वो आप लोगों ने लिखा है मोस्टली ने इसमें एड्रेस ऑफ पार्टीज़ हैं रूटीन में जिस तरह आप लिखेंगे, फिर आप फैक्ट्स के जो पैराज हैं वो उसमें आप अपने तमाम डिटेल बताएंगे कि ये जो फैक्ट्स ऑफ आपने जो एलेबोरेट करने हैं कोर्ट को, फिर आप बताएंगे उसमें कि आपका वेस्टेड राइट क्या है, क्योंकि जब आप डेक्लेरेशन कराने जा रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका वेस्टेड राइट भी आप बताएं कि आपका इसमें क्या कौन सा ऐसा हक है जो आप कोर्ट से डिक्लेयर करवाना चाहते हैं जो आपको नहीं मिला और आप कोर्ट से कह रहे हैं कि वो डिक्लेयर करें,
जैसे ये इनहेरिटेंस थी, इसमें जो आपको अभी ये जो एक गिफ्ट म्यूटेशन था आपने उसे चैलेंज किया, तो किस बुनियाद पे किया? बेसिकली उन बहनों ने, उन्होंने इस बुनियाद पे किया कि वो विरासती हिस्सेदार बनती थी, ये उनका वेस्टेड राइट था। इस वेस्टेड राइट को वो डिक्लेयर करवाने के लिए कोर्ट से उन्होंने रुजू किया, या कोर्ट से, कोर्ट के पास ये दावा लेके जा रही हैं कि ये हमारा वेस्टेड राइट है और कोर्ट इसे डिक्लेयर करे, ये दूसरी बात। तीसरी बात वो ये कि जो म्यूटेशन अगले पैरे में आप लिखेंगे कि म्यूटेशन नंबर 1600 ये फ्रॉडुलेंटली हुई है, इसमें आपने ये फैक्ट बताने हैं कि इसमें अगर बंदा पेश हुआ या नहीं हुआ, ये भी आप बताएंगे, क्योंकि आप एक म्यूटेशन को चैलेंज करने जा रहे हैं तो उसमें थंब इम्प्रेशन लगे हुए होंगे, उसमें रिकॉर्ड जमाबंदी बनी होगी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसका इंतकाल दर्ज हुआ हुआ है, तो इन सारे फैक्ट्स को आपने अपने दावे में प्लेंट में चैलेंज करना है। कोई चीज़ अगर मिसिंग रहेगी तो वो एट द एंड आपके लिए बतौर वकील नुकसानदेह होगी। आपको उसमें ये भी लिखना है कि ये बुजुर्ग थे और इनकी उम्र, फर्ज करें एक ग्राउंड ये आप ले सकते हैं, जैसे इस केस में है कि एक ग्राउंड ये लिया जा सकता है कि 90 साल की उम्र के एक बुजुर्ग आदमी जो है वो उस वक्त ज़हनी तौर पे इस मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होते। अमूमन बतौर वकील हम ये प्ली ले लेते हैं अपने दावे में कि वो ज़हनी हालत उनकी इस हद तक नहीं थी या वो इस हद तक सेहतमंद नहीं थे कि वो सही फैसला कर पाते। बहुत भी महीने के बाद हो गया। और इस केस में स्पेसिफिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे म्यूटेशन हो रही है तो उसके थोड़े ही अरसे बाद वो उनकी डेथ हो रही है, तो ये फैक्ट अगर आप अपने दावे में लेके आएंगे इट विल स्ट्रेंथन योर प्ली कि एक आदमी जो अपने एक म्यूटेशन करा रहा है, एक तो 90 साल की उम्र का है, 90 साल की उम्र का आदमी मूवमेंट उसकी बहुत मुश्किल होती है, वो ज़हनी तौर पर सही फैसले नहीं कर पाता और वो बीमारी और जोफ की वजह से उसके काफ़ी सारे मसाइल होते हैं, और फिर फौरन बाद उसकी डेथ हो जाना, तो ये भी एक शक पैदा करता है। ये आपने अपने प्लेंट में ये शक पैदा करवाना है कि ये चीज़ें थी। और फिर अमूमन हमारे माशरे में, क्योंकि औरतों को इस दावे में जो आप प्लेंट जिन्होंने फाइल की है वो फीमेल हैं, लीगल एयर्स जो हैं उनके साथ, हमारे माशरे में हमारा मेल शोविनिस्ट सोसाइटी है हमारी, तो यहाँ अमूमी तौर पर इस तरह होता है कि बहनों को, बेटियों को उनकी विरासत के हक से महरूम किया जाता है, तो वालदैन जो है वो भाइयों के साथ रह रहे होते हैं तो वो उनका फ़ायदा उठा के उनसे अंगूठे लगवा लेते हैं, साइन करवा दिए। ये फैक्ट्स आपने अपने प्लेट में लेके आने हैं, ताकि ये जब एविडेंस, जब इश्यूज फ्रेम होते हैं, अहमद भाई बार बार जोर दे रहे थे क्योंकि सारी एविडेंस जो है वो बेस करती है इशूज़ के ऊपर। इशू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है जब इशूज़ फ्रेम होते हैं, तो वो इश्यूज फ्रेम किस चीज़ से होते हैं? इश्यूज फ्रेम होते हैं आपके जो दावा आता है और जवाब दावा आता है उसमें जो क्वेश्चन रेज होते हैं, बेसिकली वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर एविडेंस दोनों ने, उसमें कोर्ट ने बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करना होता है इश्यूज फ्रेम करके कि ये इशू जो है इसे प्रूव करेगी प्लेंटिव साइड, इसे प्रूव करेगी डिफेंडेंट साइड, और एट द एंड जब आप अपनी एविडेंस लेके आएंगे अपने इशूज के मुताबिक तो उसके बाद उन्हीं इशूज पे एविडेंस जो आएगी उसी पर फैसला होगा। फिर इसमें लिमिटेशन के हवाले से भी अहमद भाई ने ऑलरेडी आपको बता दिया कॉज ऑफ एक्शन जो है, और इसी तरह आपको ये भी बता दिया कि आपने उसमें मालियत दावा जो है वो भी ज़रूर लिखनी है, ताकि उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन उसे हम कहते हैं, वो उसका हो सके, और जो लैंड जहाँ सिचुएट करती है तो उसके हवाले से उसकी जो लिमिटेशन, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जिसे हम कहते हैं, वो डिसाइड हो सके कि वो कहाँ हो। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए दावे का जो है वो ड्राफ्ट करना है। कुछ दोस्तों ने, ये तीन हैं इसमें से, किसी ने तो एक ने लिखा है इसमें तकसीम जायदाद दावा, तो ये तकसीम जायदाद नहीं होगा, ये डेक्लेटरी सूट होगा और इसके साथ आप कैंसिलेशन सीख करेंगे। इन्होंने लिखा है एक सूट फॉर डेक्लेशन, तो इसमें साथ ये नहीं लिखा कि आपने म्यूटेशन भी कैंसिल करवाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी मतलब हम शुरू कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपके हाथ से चीज़ें गुजरेंगी, हमारा सिर्फ यहाँ जो मतलब है आपको, आपके साथ बैठे हैं, तो ये है कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके, मेहनत आपने खुद करनी। विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, थैंक यू वेरी मच। आपकी इजाज़त के साथ ये यहाँ पे चंद और भी जो हमने स्कैन करके डॉक्यूमेंट जमा किए, एक दोस्त ने दावा बराए कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड और इंतकाल है, अगर तो एक्चुअल कोई गिफ्ट डीड मौजूद है और फैक्ट्स के ऊपर, तो शायद फिर ये बीच में इसके अंदर बात वगैरह बन सकती है। और मैंने ये खुली छूट आपको दी हुई थी कि केस के अंदर तो वैसे ओरल था पहले वाले में, मगर अगर आपके आपके नज़दीक अगर गिफ्ट डीड था फिर भी थोड़ा बहुत इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। अगला अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त ने काफ़ी अच्छा दावा बनाया हुआ है यहाँ पर, ये उमर साहब कौन सा, किसने बनाया,
आपने बहुत काफ़ी मेहनत करके ये बीच में बनाया, ये मुझे कितनी स्टैंडिंग है आपकी, 5-6 महीने आ गए यार, बिकॉज तुमने जितनी चीज़ें वगैरह की हुई हैं इनका अगर आप देखें इनका काफ़ी अच्छा है ये करके ज़ैनब बीपी, ये सारे मोबाइल नंबर लिखना होता है, आईडी कार्ड के नीचे लिखनी ज़रूरत है, अपने क्लाइंट की लिख दी है मोबाइल नंबर शुरू करना टाइटल में नहीं मेरा ख्याल में, बट चलो दावा इस्तकरार हक बदी मजमून के मुद्दे मुद्दियान मुतवफ़ी कमरदीन की हकीकी दुख्तरान है, इंतकाल नंबर एक सच इन सच मौका इतना बाबत अराजी तादादी इतनी वाक़ अंदरी मौका बाग वासत बाग मुद्दा लाए के मनसूखी है क्योंकि इंतकाल मजकूरा मुदयान को उनके वार से महरूम करने के लिए मंजूर हुआ है, इसलिए हकूक मुदयान पर कल अदम बातिल है, बहुत अच्छा आपने दो तीन आपके दो तीन एक चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूंगा इसके अंदर आपने क्यों है वगैरह, सिर्फ ये मेरे ख्याल में शायद लिख देना कि उनको एक्सक्लूड कर रहा था वो शायद नहीं है, वेयर इज द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड या वेयर इज द एलिमेंट ऑफ वो पेश ही नहीं हुआ या किसी और का अंगूठा लगा हुआ है या वो अपने ज़हनी तवाज़ुन में नहीं था, इसमें ये नज़र नहीं आ रहा। आपका स्टाइल जो ड्राफ्टिंग का है और लाहौर में जो ड्राफ्टिंग का है वो मुख्तलिफ है, अमूमन प्रेयर आपकी यहाँ पर टाइटल में लिख दी जाती है, अब मुफसल के अंदर बाहर आपने जिस तरीके से लिखा हुआ अमूमन लाहौर के अंदर उल्टा होता है, प्रेयर क्लॉज के अंदर आप एंड में जाके सारे के सारे रिलीफ वगैरह मांगते हैं, दोनों सही दुरुस्त हैं बिल्कुल इसी तरीके से होता है कि हमारे इलाके के हैं। हाँ। ये स्टाइल हम लोगों का जी हमारी भावलपुर से मैं हूँ तो मुझे इसीलिए लगा है कि हमारे हम लोगों का स्टाइल ये बीच में है, बिकॉज देखो स्टाइल से कोई फर्क वगैरह इतना नहीं पड़ता, लेकिन माशाल्लाह आपने जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं और लगता है आपके उस्ताद को आने वाले वहाँ पे तो उनके लिए खास तौर पर तालियां भी, बिकॉज बात यह है कि नज़र आ रहा है कि आपके हाथ से काम गुजर रहा है और आपने देखा हुआ है कि जी किस तरीके से ये सारा मामला चलता है, और दोस्तों को भी मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि जी इस तरीके से इन्होंने ये सारे का सारा लिखा है, फैक्ट्स वगैरह में ज़्यादा डिटेल के अंदर इनका दावा आपके पास अवेलेबल है, इनके मैं एंड में देखना चाह रहा हूँ कि इन्होंने प्रेयर कैसी लिखी है, इस्तदा है कि दावा हाजा बहक मुदयान बरखलाम मुतालए बमुताबिक हेड नोट ये कर दिया जाए, इनके उस्ताद को उस्ताद ने जैसे किया हुआ वैसे ही इन्होंने क्लेम किया हुआ है, ये रिलीफ करने के लिए इनका मुख्तलिफ स्टाइल है, साथ के रिहाइश फरीकैन व अराजी मजकूरा अंदर हदूद अदालत मौजूद है, ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का जो भाई कह रहे थे इसलिए पैराग्राफ लिखा जाता है, CPC की जो आपको प्रोविजंस पढ़ाई जा रही थी और लेक्चर दिया जा रहा है वो यहाँ पे असरअंदाज होती है, नहीं लिखोगे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं वो चैलेंज उसके ऊपर भी किया जा सकता है, दावा की नौयत इस्तकरार हक और उसके ऊपर इतने मुबलक 20,000 तो लाहौर में तो कम अज़ कम नहीं लगती है उस चीज़ की 20,000 की चीज़ की अच्छा 20,000 मालियत दावा समात वगैरह की गई है जिसकी हदायत नहीं लिखा हुआ है मालियत वगैरह से मुबलक 20,000 तक 20,000 की तो भी है इतनी ज़्यादा देखिए मुतैन से कहा गया कि वो समझ और देखो एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एलिमेंट ये था कि सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट शायद कि बीबियों को पता कब चला, डेट ऑफ नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपके इसके ऊपर असरअंदाज होगी लिमिटेशन के सवाल के ऊपर, तो वो भाई ने इसमें लिखा हुआ गया है कि बनाए दावा और इनकार मुतैन से पैदा हुआ जो कि फर्स्ट पेज में कि आपको भी पता चला हकीकी औलाद है पता कब चला है वो का क्या लिखा होगा फर्स्ट पेज में हाँ ये कि रिकॉर्ड मेल करने के बाद मुतैलम हमरा गवान मोहम्मद अली और सचिन सच नाम भी लिख दिए ठीक है, साल 2000 जनवरी में मुतैलम ने हिस्सा पैदावार देना बंद कर दिया 2006 में उससे ये प्ली ये ली है कि पहले हिस्सा पैदावार देते थे अब ने बंद कर दिया, तो ये दावा आपने कब जमा करवाया 2006 में हाँ दावा भी 2006 में जमा करा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है वो 2006 में कर रहे हैं ना, चलो ठीक है फिर सही है कि अभी हुआ बेसिकली कि आपने इसको इसको कितने 3 साल है 1 साल है
तीन साल है तो विद इन 3 ईयर्स करनी है, लेकिन पिछले हफ्ते के कहीं अमूमन लिखा जाता है कि भी पता चला चंद दिनों में, कैसे पता चला वो भी थोड़ा बहुत रेलेवेंट है लिमिटेशन के अंदर लाने के लिए। तो भाई बहुत ज़बरदस्त, तुम तो ऑलरेडी प्रोफेशनल वकील बन गए हो करके, और भी दोस्तों के यहाँ पे मौजूद हैं दावा जात वगैरह, इनका तो ये ऑलरेडी आ चुका हुआ है दावा, वो बतौर कैंसलेशन ऑफ गिब्री चल सकता है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ पांच आपने जुमले या पैराग्राफ्स लिखे, कोई ग्राउंड ये जो 3 पैराग्राफ्स लवाजमात होते हैं वो आपने नहीं लिखे, जिस दोस्त के बीच में ड्राफ्टिंग थी तो उनका ये इशू है, बाकियों ने बल्कि सारों ने यही लिखा है 4-4 पैराग्राफ 3-3 पैराग्राफ, और जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जो कि हर दावे में होते हैं और उसके लवाजमात हैं वो आपने नहीं, सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ गिफ्ट डीड एंड म्यूटेशन, और ये वाला थोड़े से भाई ने लगता है लेट के लिखा है सूट फॉर पोजेशन ऑफ लैंड इन्होंने जमा करवा दिया, ये मुकम्मल तौर पर गलत है, पोजेशन का जब आपका हक ही नहीं है और प्रॉपर्टी ही एक्चुअली बिलोंग कर रही है कि भाई साहब के नाम के ऊपर ऑलरेडी चल रही है, तो आपको कब्जा किस खाते के अंदर मिला जाएगा, तो ये पहले तारीख में शायद खारिज हो जाए। और आखिरी दावा है सूट फॉर म्यूटेशन कैंसलेशन ऑफ डिक्लेरेशन, ही आपको मांगनी चाहिए थी बट फॉर्म, और ये समझ नहीं आई, ये तो शायद किसी ने अपनी फैक्ट शीट जमा करवा दी, ये दावा एंटरटेनिंग नहीं होगा। अच्छा चलो, बैक सूट फॉर कैंसलेशन ऑफ अ गिफ्ट डीड ठीक अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन एंड परमानेंट, ये बेहतर है, सिर्फ टेनरी कैंसलेशन से बेहतर है ये करके। और अब ये हैं जी बेसिकली अभी के लिए, तमाम दोस्तों से अब ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, इसके बाद रिटन स्टेटमेंट वाले भाइयों से बात होगी और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत बहस भी करवाएंगे और फिर आपसे अपील भी बहस करवाएंगे, ये एक्चुअल एक मुकदमा है उसके ऊपर बात होगी। थैंक यू सर। ब्रेक के बाद तमाम दोस्तों को वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले हम जब बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आपके जो प्लेंटिफ है बहनों की तरफ से, कि दावे के अंदर उनके लिए क्या क्या मुश्किलात वगैरह नज़र आएंगी और वो किस तरीके से सेटिसाइड वगैरह करवाएंगे, एक एंट्री जो कि तकरीबन 20 साल पहले म्यूटेशन हो गई हुई है, बाप ने पेश होके अंगूठा लगा के कर ली हुई है, उसके अंदर लिमिटेशन का आड़े आना था, और ये कि क्या बाप ने किया है कि नहीं उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा, कोई और बंदा था, अंगूठा किसी और का था, अगर अंगूठा बाप का लगा हुआ तो वो अपने ज़हनी सेंसेस में नहीं था, वैसे भी वो 90 दिनों के बाद फौत हो गया था, एज एन चंद माह के बाद वो फौत हो गया था, तो आप उसके अंदर ये इश्यूज वगैरह रेज कर सकते हैं सारे के सारे। अब फंडामेंटल प्रॉब्लम वगैरह इसके अंदर ये आनी है कि अब रिटन स्टेटमेंट की तरफ से, यानी रिटन स्टेटमेंट किसकी तरफ से आ रही है, हाँ अयूब की तरफ से, उसकी बेटे की तरफ से आ रही है, कि क्या कहेगा वो, मैंने तो नहीं कराई थी, बाप ने की थी, मेरे नाम के ऊपर की थी, हाँ गिफ्ट की लवाजमात जो हैं वो उसके अंदर आपको लिखने हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो क्या चीज़ होती है आसान जुबान के अंदर, आप पोजेशन एंड में आती है भाई, सबसे पहले क्या होती है, ऑफर होती है कि कहा कि जी मैं तुझे तोहफा देना चाह रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद एक इसको कहते हैं पोजेशन भी मुझे डिलीवर कर दिया गया, ये है मुस्लिम ओरल गिफ्ट के अंदर, राइट। अब इसके अंदर चंद दोस्तों की ये रिटन स्टेटमेंट्स वगैरह आई हैं, ये जो आपको मैं मुकदमा बता रहा हूँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिसकी बेसिस के ऊपर, और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं बीच में इसके अंदर पेश हुआ, पहले नीचे सिविल जज ने ये दावा खारिज किया, अपील जमा हुई, फिर अयूब के फेवर में हुई, यानी कि अपील खारिज हुई, हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने दावा हाई कोर्ट ने रिविजन एक्सेप्ट की, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा मुकदमा खारिज कर दिया।
और मैं वहाँ पे बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुआ और वो सिर्फ रिटन स्टेटमेंट के अंदर एक गलती की वजह से ही सारे का सारा दावा ख़त्म हुआ। दो कोर्ट से ऑलरेडी हारे हुए थे और हाईकोर्ट ने फिर हाईकोर्ट के फैसले हाईकोर्ट के अंदर जाके हम हारे थे और उसके बाद ऊपर हुआ था। और वो पहला वाला चले दावा पढ़ लेते हैं, ये दावा इस्तकरार हक के ऊपर आपने रिटन स्टेटमेंट बना के दिए। एक सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं, एक भाई ने एक सफ़े का हमें रिटन स्टेटमेंट बना के दिया जबकि दावा 5 सफ़ों का था। और उस भाई ने बेसिकली अपनी तरफ से ये लिखा है कि मुद्दा लाई की तरफ से जवाब दावा ये कि दावा जायदुल मियाद है, ठीक है, ये कि दावे में कोर्ट फीस और समाअत का अख्तियार का दुरुस्त तयन नहीं किया गया, ठीक है, ये दावा बदनीयती पे मबनी है जो कि महज मुद्दा लय को हरासा करने के लिए दायर किया गया। ये कि कमरदीन 89 कनाल का मालिक ही नहीं था। ये जिस भाई ने जीनियस शॉट मारी है कि जिनने बाप ने जिनने दावा दिता सी ते फिर और हैगा ही नहीं थे तुहाडे कोल कित्थों आ गया यार, हैं भाई इधर से हैं, उनके लिए क्लैपिंग हो, चलो नाम नहीं मैं वो बता दूंगा। अच्छा, और फिर बवक्त फतीदगी कमरदीन की उम्र 90 साल नहीं बल्कि 80 साल थी। ये नहीं, वैसे बाय द वे एक सेकेंड, ये एविडेंस के अंदर लिखा हुआ है इस दावे के अंदर, ये नुकता थोड़ा सा रेलेवेंट था मेरे ख्याल में, शायद या तो नकल मारी है या वैसे करके, इससे क्या फर्क पड़ता भाई। अगर तो ये आर्ग्यू कर रहा किया जा रहा हो कि वो बात तो ये है कि मरने के कुछ अरसा पहले हुआ है कि नहीं, और गिफ्ट वो आप डिनाई नहीं कर सकते, गिफ्ट के बाद वो एक्चुअली मर रहा है, फिर आप कहाँ से कर रहे हैं। बवक्त फतीदगी कमरदीन किसी राजी का मालिक नहीं था इसलिए वरासत का हक ही नहीं पैदा हो सकता, ये फिर भी कानूनी बात है, ठीक है। बट इशू इसके अंदर ये आया है, रिटन स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ें लिखने के बाद भाई ने ख़त्म शुद्ध कर दिया। भाई ने पैरा बाय पैरा जवाब अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, नहीं हाँ, अगर आप लिख के डिनाई नहीं करेंगे रेलेवेंट पैराग्राफ्स को तो सर ये जनाब देखेंगे जवाब दावा है आप, तो वो आपका एडमिटेड तसव्वुर होगा, आपके लिए लाजमी है पैरा बाय पैरा आप जवाब लिखें और उसकी एक एक बात को बताएं कि क्यों आप कह रहे हैं कि गलत है और इसलिए हैंस डिनाइड, ये लिखना आपके लिए लाजमी है। सो आई एम सॉरी, माजरत के साथ जिस दोस्त ने किया उसने मेहनत तो काफ़ी की है लेकिन एक जगह के ऊपर जाके उन्होंने ग्राउंड 5 में सर लिख डाला है कि जी जिसने मुझे गिफ्ट किया उसकी जमीन ही नहीं थी। अपने हाथ से टेन ही काट दी जिसके ऊपर बैठे हुए थे, तो चले करके नीचे गिर गए। दूसरा ये है कि ये दोस्त जिन्होंने जमा करवाया उन्होंने भी मुकर्रर की गई है वो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्शंस होती हैं वो तो लिख दी हैं आप, वो इसलिए लिखते हैं कि 7-11, 7-10 की के प्रॉपर्ली वैल्यू नहीं है कि लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन का इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो थोड़ा सा आप स्पेल आउट कर सकते हैं कि जी लिमिटेशन है ये, इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने तो प्लीड भी नहीं किया कि इनकी डेट ऑफ नॉलेज कब हुई है। लिमिटेशन पे अनफॉर्चुनेटली आजकल ये सिलसिला हो रहा है कि डिस्प्यूटेड को मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ बना के कोर्ट कहता है कि जी 7-11 के अंदर ये इब्तदा में हम खारिज नहीं करेंगे इश्यूज़ के ऊपर फ्रेम होके, बट इम्पॉर्टेंट नुकता है लिमिटेशन का लें बिकॉज इसमें नज़र ये आ रहा है कि 20 साल चुप रहे हैं तो वो एक्सप्लेन उसको बहनों को लाजमी होगा। और अगर आप ये दिखा सकते हैं कि बहनों को पहले पता चल गया था या जब गिफ्ट हुआ था तभी पता चल गया था, इस केस में उन्होंने कहानी ये बीच में बनाई हुई थी और लिखा ये हुआ था कि बाप जब फौत हुआ है तो तब वहाँ पे जाके पता चला है कि जी ये सारी की सारी प्रॉपर्टी तो आगे दे दी हुई है उसको हमने विरासत की, बल्कि विरासत की भी जब बात नहीं की, बाप फौत हो गया उसके पास 10 साल तक हमें भाई हमें हिस्सा देता रहा है, फिर अब चंद दिन पहले ही उन्होंने ना उसने हिस्सा देने के ऊपर की कि भाग जाओ, तो तब मैंने पता किया तो पता चला कि ये तो 15 साल पहले भाई ने अपने नाम पर बाप से करवा ली हुई थी तो अब जाके उसने वो चैलेंज किया हुआ, तो इस तरीके से उन्होंने डिफेंस सेटअप किया हुआ था। एक मेन नुक्ता जो कि ये जिसने भी जमा करवाया है ये वाला जवाब को कौन दोस्त है कुछ बता सकते, तो आप जरा खड़े हो, मेरे भाई जो हैं ये क्या उसको कहते हैं वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने नीचे दावा करवाया था उनसे 10 गुना बेहतर वकील है अभी अपने पहले साल के अंदर।
और वो इसलिए है कि भाई ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट से हम वेलाय हो गए थे और सुप्रीम कोर्ट में मैंने 40 मिनट आर्ग्यू की थी काजी फैज ईसा साहब के पास, उनका रुझान बीबीएम के फेवर के अंदर है, उनको उनके वरासती हकूक दिलवाने के लिए, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर मैं फारिग हो गया था और वो ये था कि आपने गिफ्ट की डिटेल्स ही नहीं प्लीड की हुई इसके अंदर अपने जवाब दावे के अंदर। अगर आपने जो जिन्होंने जवाब दावा बनाया है, आपने गिफ्ट का वक्त, विटनेसेस के नाम, वक्त उसका टाइम अगर आपने प्लीड नहीं किया तो, और जगह एग्जैक्टली जहां पे कौन को टाइम एंड प्लेस अगर आपने नहीं किया तो यू आर डन, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, कुछ नहीं मिलना। ये मुकदमा दोनों नीचे वाले फोरम्स के ऊपर जीता गया था, हाईकोर्ट ने उड़ाया और सुप्रीम कोर्ट में मेरे जैसे अजीम वकील के बावजूद वो हार गए। और मैं लिटरली करता रहा कि जी ये अंगूठा लगा हुआ है सर, ये माना हुआ है, 20 साल के बाद आ रहे हैं, कैसे कैसे कैसे। उन्होंने कहा लर्नेड काउंसिल, आते ही दोनों जजों ने कहा जी कम टू प्लीज अप, वेयर इन योर रिटन स्टेटमेंट हैव यू सेड के द डेट टाइम एंड प्लेस वगैरह इसकी। उन्हें जी मैंने एविडेंस में कह दिया था, उन्होंने कहा जी आप रिटन स्टेटमेंट में नहीं है, आप तो उस पर एविडेंस ही नहीं दे सकते। तो भाई बैठ जा, कुछ नहीं होता, काफी तक तारीफ हो गई, शौक दे खुल ही गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर। ये तो आपको आपको यार देखो भाइयों को मैं ये बताना चाह रहा था कि हर चीज के लवाजमात हैं। अगर आप यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट के अंदर आप नहीं लिखेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं भी नहीं बचा सकता, इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और इस चीज के ऊपर आपको और इस भाई ने फैक्ट्स वगैरह मैंने शेयर नहीं किए, ये इनका बड़ापन और ये अच्छी चीज है प्रोफेशनल नॉलेज की, ही हैज प्लीडेड ऑल ऑफ दैट। बाकी दोस्तों के अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाते क्योंकि बाकी दोस्तों के मामलात के ऊपर तो बेसिकली ये है, आप चाय वगैरह भी प्लीज ले लीजिए सारे, काफी डिटेल के अंदर दोस्तों ने बात की और हम फर्दन आपसे ये डिस्कस भी कर लेंगे। बट इसमें एक ही एलिमेंट था, बाकी चीजें आपने रद्द करनी है, गलत है गलत है गलत है, टाइम बार है टाइम बार है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नुक्ता ये था कि आपने गिफ्ट के लवाजमात आपने यहाँ पे प्लीड और डिटेल्स लिखी हैं कि नहीं। नहीं लिखी तो आप बेशक एविडेंस में करते रहें लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी थी। यही बात हक शुफे में भी आ रही है, यही बात हक शुफे के अंदर तो और भी ज्यादा सख्ती है, बट यहाँ पर भी अगर आप नहीं होते आपके दावे के अंदर तो आप फारिग हैं। आपके पास बेशुमार दावे ऊपर लेवल के अंदर आएंगे जिसके अंदर उन्होंने प्लीड नहीं किए, ये सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहनी, खैर रिसेंटली तो नहीं 15-20 साल पहले ये चीज कहनी शुरू की है कि फ्रॉड की भी फॉर एग्जांपल सिमिलर होता है कि फ्रॉड की भी आपने डिटेल्स लिखनी है, नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं यही बार बार चीखता रहा कि कोर्ट के सामने कि सर देखे प्लेंट के अंदर उन्होंने फ्रॉड की डिटेल्स नहीं लिखी हुई। उन्होंने कहा जी और प्लेंट पहले आती है रिटन स्टेटमेंट से, उन्होंने कहा नहीं नो मलिक साहब पहले आपका गिफ्ट आता है, आपका गिफ्ट आता है, आपने उसकी लवाजमात प्लीड नहीं की है, ओनस वाज ऑन यू टू प्रूव द ये करके गिफ्ट। और इसीलिए बहनें आजकल ज्यादातर भाइयों के अगेंस्ट मुकदमे जीत रही हैं कि बाप मर गया होता है, विटनेसेस भी मर गए होते हैं 20-20 साल के बाद जब जाके इसको चैलेंज वगैरह करते हैं तो आगे से ये जवाब मिलता है कि यू आर अनएबल टू प्रूव बिकॉज बेनिफिशियरी ऑफ अ डॉक्यूमेंट अगर आपके फेवर में गिफ्ट है तो ओनस आप पर है, दूसरी पार्टी ने तो आके निरा डिनाई करना है कि नहीं हुआ गलत है वगैरह। और सिर्फ ये कह देना अब्बा जी ने पेश होके अंगूठा लगाया हुआ था, वो कहते हैं नहीं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में ये भी लड़ाई होती रही, वो कहते हैं आपने इंडिपेंडेंटली साबित करना है। मैंने जाके कहा जी मैंने टेस्टेड कॉपी जमा करवा दी हुई है या नीचे जिन साहबान ने किया था, वो कहते नो यू आर सपोज टू प्रूव इट, हु आर द विटनेसेस, आपने तो प्लीट तक नहीं किया मलिक साहब वेले जाओ। सो ये नुक्ते सारे हमने खेले थे, हमने आर्ग्यू किए, बट आपका रिटन स्टेटमेंट में एक कमी जज को वो चीज दे देती है जिसपे आपकी सारी ट्रांजेक्शन अंगूठा लगा हुआ था, 20 साल के बाद हुआ था, उन्होंने डिटेल्स नहीं लिखी, बाप का अंगूठा कैसे फिर लग गया, और ये सारी की सारी चीजें, और दो कोर्ट्स ने डिसाइड किया हुआ था मेरे फेवर में, जजमेंट एट वेरियंस थी और उन्होंने कहा नो जी नथिंग डूइंग एंड आई लॉस्ट द केस। आखिर लीव ग्रांट हो गई थी और उसके अंदर केस के अंदर लीव ग्रांट थी और मुझे स्टे वगैरह भी मिला हुआ था एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट, बट अल्टीमेटली जिस दिन मैं पकड़ा गया वहां पर बहस करनी पड़ गई, पहले मैं स्टे लेके भागने की कोशिश करता रहा, जब पकड़ा गया और वहां पे मैंने ये जजमेंट एंड वेट वेरियंस का पता ही चल गया था और ये भी चल गया था कि जी एविडेंस में भी है, जब वो नुक्ते के ऊपर गए सामने से मुश्ताक मोल साहब थे
उनको एक एक जुमला नहीं कहने की जरूरत पड़ी, वो मैं ही आते बीच में उन्होंने कहा जी किधर है रिटर्न स्टेटमेंट पे तो आइए दिखाएं कहाँ पे, और फिर बाबा बाबा बा ये करते करते 30-40 मिनट में लगा रहा, और मौल साहब को कहा कि जी मौल साहब कुछ कहना है, नहीं जी सर मैं लॉर्ड कुछ नहीं बस शुक्रिया अदा करना है, वो तो उन्होंने तो मींस प्रॉफिट भी मांग रहे थे, और जब मैंने ज़्यादा जूं जूं की तो कोर्ट ने कहा कि जी मैं क्यों ना मलिक साहब आप आपको मींस प्रॉफिट भी चार्ज, मींस प्रॉफिट क्या होता है, जितनी देर उसके पोजेशन में गए उन्होंने कहा ना सिर्फ हम आपसे ज़मीन छीन लेते हैं क्यों ना आपको 37 साल के लिए आपको बहनों को पैसे भी आपसे दिलवाते हैं, तो फिर मैंने कहा माई बाप प्लीज रहने दें बहुत ज़्यादा हो जाएगी ये हो जाएगी। सो आपको मैं यही समझा रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू अबाउट दिस। अब बात ये है कि यहाँ पे चंद दोस्तों को हमने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, ये तो हो गई बात उन दोस्तों की जिन्होंने हमारे सामने रिटन स्टेटमेंट की बात हो गई आपकी, आप भी गई अभी डिटेल में भी देख लेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कौन से दोस्त इस पर बहस करना चाहेंगे, आप इस साइड पे जो दोस्त बैठे हुए थे इनको मैंने इश्यूज भी दे दिए थे, इस केस में जो एविडेंस है वो भी दे दी थी, इस केस के अंदर जो एग्जिबिट जो हुई हैं वो खैर मैंने नहीं दी बट आप अज्यूम करें कि आपको मिल गई हुई है, और उसके ऊपर आप आके ज़रा बहस कीजिए हमारे सामने प्लेंटिफ की तरफ से भी अगर कोई करना चाहे, और डिफेंडेंट की तरफ से भी जो करना चाहे, हम आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड करना चाहेंगे और उसके ऊपर फिर आपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। यहाँ पे जज साहब दो एक जज साहब और का डीवी तो नहीं होती है अमूमन सिविल कोर्ट के अंदर, बट चलो आज हमने डीवी बना दी कि नाना साहब की भी, और हाँ हाँ जूरी भी अमरीका नहीं है गाना यार किधर मैं जूरी बैठा दूँ, बट आइए प्लीज सर सामने की तरफ आ जाइए आपको रिकॉर्ड करते हैं प्लीज। यार अच्छी अच्छी ट्राई है यार तमाम भाइयों का, आई होप आप सीख रहे हो यहाँ से। एक सेकंड शिव, इसमें एक केस की थोड़ी सी डिटेल मैं बता दूँ ऑनरेबल कोर्ट को कि इसमें यह था कि 87 कनाल जो है ना 87 कनाल जो ज़मीन है वो हमारे वालद साहब ने जो ना वो हमारे भाई को जो है वो कर दी थी, उसमें क्या सॉरी दोबारा से स्टार्ट कर दो लॉर्डशिप, इसमें लॉर्डशिप इसमें प्लेंटिफ के जो है भाई जो था उसने फॉल्सली और इलीगली तौर पे रिकॉर्ड के अमले के साथ मिलके जो है ना अपने नाम पे एक इंतकाल गिफ्ट जो है हिबा वो अपने नाम पे करवा लिया, और उसका जो इंदराज उन्होंने करवाया था वो अंदराज उनका था इंदराज जो उन्होंने करवाया था वो 28 तारीख तीसरा महीना और 1988 को करवाया था, उसके मुताबिक उन्होंने जो रपट और रोजनामचा की रपट नंबर थी 234 थी, जिसके मुताबिक इंतकाल हैबानामा जो है वो मेरे भाई के नाम पे मुंतकल किया गया जो कि बिल्कुल झूठ और फ्रॉड पे मबनी था। उसकी रीज़न ये है कि वालद साहब के जो उस वक्त एज थी जिस वक्त ये अलर्ज किया गया कि उन्होंने हैबानामा इनके नाम पे ट्रांसफ़र करवाया है, उस वक्त उनकी एज जो थी वो 90 ईयर आलमोस्ट थी, और 90 ईयर होने की वजह से वो लागर भी थे और बीमार भी थे और चल भी नहीं सकते थे, और उम्र का तकाजा भी उनका ये था कि ज़हनी तवाज़ुन भी उनका थोड़ा बहुत वो ख़राब था के काम नहीं करता था, और वो प्रॉपर डिसीजन लेने में और इस बात को कंसीडर करने में कि ये उनके लिए फ़ायदा मंद है या उनकी औलाद के लिए इससे आजिज़ थे, तो इसमें हुआ ये कि हमारा जो डिफेंडेंट है डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट ने झूठ और फेक जो है एक अपनी तरफ से अमला माल को साथ मिलाकर इसको तैयार किया। अब इसकी जो लॉर्डशिप इसकी डिटेल जो है वो इनके जो डिफेंडेंट विटनेस जो है डिफेंडेंट विटनेस टू उन्होंने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को एडमिट किया हुआ है कि जो इंतकाल नंबर खाता नंबर 36 की हद तक इंतकाल नंबर 741 में कटिंग हुई है ये दुरुस्त है कि पटवारी के दस्तक
सात तारीखों पर ओवर राइटिंग हुई है और ये इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओवर राइटिंग हुई है और इनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद नहीं है। उसके बाद मजीद ये बताता है कि ये दुरुस्त है कि तारीख 17/26 बनाया हुआ है, चूँकि लॉर्डशिप इसमें फैक्ट जो मेन बात है कि एक माह बाद जो वाला साहब की वफात से एक माह कबल का हिबानामा जो है ना रजिस्टर्ड करवाया गया है और ऐसे कोई हिबानामा नहीं हुआ था, कोई इसके गवाह वगैरह जो है वो मौजूद ना थे और गांव में तहसीलदार का आना भी जो है साबित नहीं है। डिफेंडेंट नंबर टू के जो विटनेस हैं, डिफेंडेंट विटनेस नंबर टू हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि पहले इंतकाल नंबर 740 जो था वो इंतकाल से पहले दर्ज था, इस पर भी तारीख की कटिंग है कि डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और इन्होंने जो है वो ओवर राइटिंग की हुई है और ये डॉक्यूमेंट जो है इंतकाल से भी जाहिर हो रहा है कि पिछली तारीखों में डाल कर किया गया है। ये बात इसने डिफेंडिंग विटनेस जो ये पटवारी है अरशद अली जिसका नाम है उसने ये बात अपने क्रॉस में एडमिट की हुई है और इसके लिहाज से ये बिल्कुल फेक जो है साबित होता है। इसके अलावा लॉर्डशिप जो है अरशद पटवारी ने जो कहा है कि दस्तखत जो उस वक्त के पटवारी के हुए थे जो उस वक्त था उसके दस्तखत उसने कहा मौजूद हैं लेकिन पटवारी का नाम वगैरह नहीं लिखा, जो कि एज पर SOP ऑफ डिपार्टमेंट पटवारी लिखने का पाबंद है कि वो उसने लिखना है, मेंशन करना है, अपना नेम लिखना है, साथ में डेट और फिर सिग्नेचर की बारी आती है। उसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो मुतवक्की का अंगूठा लगाया गया है उस पर भी अबहाम है और उस अंगूठा लगाने के दौरान जो उसके विटनेसेस वगैरह हैं वो उधर प्रोवाइड नहीं किए गए और ना ही इन्होंने अपने जो रिटन स्टेटमेंट में कहीं पे ये प्ली ली हुई कहीं पे ये मेंशन किया गया है कि साथ कौन कौन था या उस वक्त कौन से प्राइवेट विटनेस या इनके साथ कौन था जब तहसीलदार के सामने बयान हुए या सारा कुछ हुआ। उसके अलावा जो इसकी सरकारी फ़ीस पेश की गई लॉर्डशिप, फीस में भी हेर फेर की गई है और फीस जो है वो तहसीलदार साहब का बयान इसके बाबत मौजूद है कि सरकारी कागजात में वो फीस जो पेश की गई थी जो इन्होंने कहा कि हमने उस वक्त अदा की थी वो मौजूदा तारीख पर अदा ना की गई और उसका कोई रिकॉर्ड ना था। उसके बारे में डिफेंडेंट के जो कौंसल हैं उन्होंने दुराने जिरा इस बात को एडमिट किया है। लॉर्डशिप इसके अलावा ये प्रूडेंट माइंड एक बात को तस्लीम ही नहीं कर सकता कि एक बाप जो अपनी तीन हकीकी बेटियों के होते हुए सिर्फ एक बेटे के हक में कर दे, चूँकि बेटियों के साथ भी वालिद की एक खासी मोहब्बत होती है, बेटे के पास अगर वो उनकी रहाइश थी भी बेटे के पास तो बेटियों का भी उनको हक का पता था और ये शरी तौर पर कानूनी तौर पर भी अपना हक लेने की वजह हैं और इसलिए अदालत हुजूर से इस्तदा है कि इसको मंसूख किया जाए और ये इंतकाल नंबर फ्रॉड और धोखा पर मबनी है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कृष्णा भाई ने बोला कि ये जो ज़मीन थी ये गिफ्ट नहीं हुई, पहली बात तो ये है कि वालिद जो है वो ये राइट रखता है कि वो जिस बच्चे को चाहे गिफ्ट कर दे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बेटी को ही करे, ये भी ज़रूरी नहीं है वो अपने बेटे को ही करे, लेकिन ये था कि ये जो बेटा अयूब है इसने अपने वालिद साहब की बहुत अच्छे तरीके से इनकी तमादारी की ना इनका ख्याल रखा जबकि मुदय्यान जो हैं वो इनके साथ उस वक्त अटैचमेंट नहीं थी। उसके बाद ये था कि ये जो वालिद हैं इसके वो फाइनेंशियली तौर पे बहुत वीक थे और इनको अपनी जारी बात है अपनी बेटियों की शादी के लिए भी कोई अखराज चाहिए थे, तो अयूब खां उसने ये अपने बाप के साथ मिलकर ये कहा कि मैं जो है कि जो अपनी बहनों की शादी वगैरह करने में मैं अपने बाप का साथ देता हूँ और जो है इनका जहेज वगैरह करता हूँ, तो जो है ना वो इस तरह उसने सारे मामला अपने बाप के साथ किए और बाप को जो खासी जो है ना अपने बेटे के साथ मोहब्बत भी थी और जारी बात है उसने फाइनेंशियली तौर पर अपने वालिद को सपोर्ट भी किया था और अपनी बहनों की शादी भी की और इसी वजह से कमरदीन जो है उसने ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने जो है बेटे को हिबा कर दी, गिफ्ट कर दी और ये उसके पास राइट भी है, उस वालिद के पास वो हिबा कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। और इस तरह अगर कहा जा रहा है कि बेटियों का राइट तो बेटियों का राइट क्रिएट होता ही नहीं है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में जब एक चीज़ हिबा कर दी है फिर उधर वारसान में उसका हक नहीं बनता, हक तब ही बनता है जब वो उसके पास वो चीज़ उस वक्त उसकी मलकियत में हो, जब उसकी मलकियत में नहीं रही उसने वो गिफ्ट कर दी है तो फिर उसका राइट ख़त्म हो गया है, फिर उसका राइट क्रिएट हो गया है, यहाँ पर जो हैं बेटियाँ बहनें जो हैं उसकी वो क्लेम नहीं कर सकती। उसके बाद एज का डिफरेंस बताया गया है कि 90 ईयर्स एज थी जबकि 80 ईयर थी, जो कि इन्होंने गलत तरीके से 90 बना दिया गया है।
केस को मोल्ड करने के लिए कि डिफरेंस डाल दिया 10 ईयर्स का, कि ये बताया जाए कि जो बंदा जो था ना वो जो मेरे वालद साहब हैं वो लागर थे, उनको इतना वो माइंडली तौर पे डिस्टर्ब थे, वो नहीं कर सकते थे कुछ, तो इसकी वजह से उन्होंने जो है ना 9-10 ईयर्स का जो है ना ज़्यादा इन्होंने एक्सटेंड कर दिया डेट, जबकि 80 साल उनकी जो है ना वो एडमिट वो राइट है। और उसके बाद ये है कि ये जैसे कौंसल ने सीनियर कौंसल ने जनाब ने बोला कि उस वक्त जो है जब हिबा हुआ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था और कोई उसकी कोई एविडेंस नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है कि जब उन्होंने 2 दफ़ा अनाउंसमेंट कर चुके थे कि मैंने ये जो है अपने बेटे को हिबा कर दिया है और ये इसका जो है वो हक हासिल रखता है, तो ये डिनाई ये जो है चीज़ पहले ही जो है वो बता दी गई थी। और उसके बाद जो है रेवन्यू और तसीदा जितने भी जो प्रोसेस था वो रजिस्टर्ड भी है, सो लिहाजा जो है ना इनका राइट क्रिएट ही नहीं होता। सर एविडेंस उसने अभी स्टडी में जी सर, जब आप आर्ग्यू कर रहे होंगे कि अपना बेनिफिशरी की तरफ से जो डिपेंडेंट है, फिर आप उसमें सबसे ज़्यादा आपका एक्सेशन जो है डालते इसी दुनिया पे हमारे जो है वो आर्ग जी सर, इसे हम फैक्टर ऑफ बिलीफ कहें या फैक्टर ऑफ बिलीफ कहें, टाइम प्लेस ठीक है ऑफर एंड एक्सेप्शन यस, इतने ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑफर एक्सेप्टेंस ये सारी चीज़ें ये बटन शिफ्ट हो गया है, ये बटन आपके ऊपर है जी, आपने ये सारी क्योंकि बेनिफिशरी और आपने अपनी एविडेंस से अगर कहीं जब भी आप करेंगे तो उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आप लोग उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट एविडेंस से जो मेरे विटनेसेज हैं इसमें मैंने पटवारी अंतर को भी पेश किया है, इसमें मैंने आदमी ऑफिसर को भी पेश किया है, एयरपोर्ट से भी लगाया इसमें जो मेरे DW रहे हैं मार्जिनल जो विटनेसेस थे अगर वो उस वक्त के जो सिक्योरिटी थे अगर उन्होंने वहाँ साइन किए थे और वो लोग लाइव थे उनमें से कौन कौन आया, अगर नहीं आया तो उसकी रीज़न क्या जी, कैथों में सेकेंडरी एविडेंस की एप्लीकेशन थी सेकेंडरी एविडेंस, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी की डेथ हो जाएगी तो आप उसको उसमें पेश नहीं कर सकते तो कोर्ट को आप इन्फॉर्म करेंगे बताएंगे आप एप्लीकेशन भी दिला देते हैं और उन्हें वर्बल रिक्वेस्ट भी कर देते हैं क्योंकि उसमें आपको जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये विदिन 7 डेज जब आप इशूज फ्रेम होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसके ऊपर मैंने भी कुछ मतलब पिछले अच्छे से पेश किए हैं अभी, आपने विदिन 7 डेज लिस्ट ऑफ विटनेस देने होते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, उसमें आपने जो अपना पूरा केस है आपका जब इशू फ्रेम हो गए हैं विद इन 7 डेज आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी है, उसमें आपने सेकेंडरी विटनेस देनी है आपकी प्राइमरी विटनेस है जो कुछ है वो लिस्ट ऑफ विटनेस का आप देंगे, उससे बाहर आपने जा नहीं सकते, उससे बाहर जाएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा एविडेंस फेस करने पड़ेंगे और वो क्या ज़्यादा आगे करेंगे, ये चीज़ें आपके आत्मसमर्पण का हिस्सा जरूर हो जाता है जी सर। दो तीन चीजें मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, दोनों भाइयों ने आपने कोशिश की है आपने बिल्कुल भी नहीं की एविडेंस और एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स का और एग्जिबिट्स का एक दफा भी लागू नहीं हुई है, आपने उसकी स्टेटमेंट्स का तो जिक्र किया मगर वो PW था DW सर आने के सारा लिस्टेड आउट, असल में ये खानापुरी नहीं और खास तौर पे आपका आपका जो मेन नुक्ता था वो तो आपने टच ही नहीं किया, लिमिटेशन का आपने नुक्ता ना आपने लिमिटेशन आर्ग्यू किया है ना टाइम बाद उसका दावा है 1 साल के बाद आ रही है बहने आ रही
आपका जो मैं 20 मिनट यहाँ पे बैठ के आपके सामने गुफ्तगू आर्ग्यू की है कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने डिटेल्स ही नहीं दी, यू कैन नॉट इवन टच दैट एक्चुअली आफ्टर वी आर्ग्यू दैट 20 मिनट्स के इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपने जज के ऊपर छोड़ दिया। आप कहेंगे ये बनता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है उसके मुताबिक एक दे वर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डेट टाइम एंड प्लेस स्टेट कर ली थी, नहीं स्टेट की जितना एविडेंस है सारा रद्द होता है, कुछ साबित नहीं कर सकते, दावा खारिज करें बेनिफिशियरी भी साबित होता, यू डिडंट डू दैट। आपने तो बिल्कुल भी नहीं, आपने कुछ भी आपका अपना एविडेंस से सवाल पूछा तो आप नजर आ रहा है कि आपने एक तरीके से माजरत के साथ कई वकील करने पड़ते ही, एविडेंस वगैरह जो है एग्जिबिट्स वगैरह मैंने आपको नहीं दिए हुए, बट आप इतने नजीब के एग्जिबिट्स हैं, आपका तो ये है कि जो स्टैचुटरी रिकॉर्ड है 30 साल के बाद चैलेंज कर रही है, कैसे कर रही है? इनको फलां तारीख के ऊपर पता था, फलां जगह पे उन्होंने लिखा, इनको पता था। मेरे विटनेसेस उनको कह रहा हूँ, उनके आपके इतने विटनेसेस आपके आए हैं, कम अज कम जब आप तैयारी करते हो आपके पास नोट्स PW1 से लेके जो सारे इसके ये हैं एग्जिबिट्स के नोट, एक एक जुमला लिखना, एक उनके बारे में एक एक जुमला लिखा होना चाहिए। DWs कौन से आपके विटनेसेस हुए, किस कैपेसिटी में हुए, मार्जिनल विटनेस हैं, क्या है, तैयारी आपने ऐसे करनी है गप्पे लगाने के लिए, कहानी डालने के लिए, आपने एक एविडेंस का जिक्र नहीं किया, आपके कहने से तो नहीं मेरी कहानी बन जाती ना, मुझे बताइए कि सारा एविडेंस का स्टेज क्यों था, डॉक्यूमेंट्स एग्रीमेंट क्यों होते हैं अगर आपने अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट में जिक्र ही नहीं करना। आप इंटेरियर जमा कर रहे हैं जिससे आपने इमारत बनानी है, और इमारत तब खड़ी होती है जब आप कहेंगे कि ये सारी की सारी चीजें थी, DW1 ने ये किया, और इससे ये स्टैब्लिश होता है, इससे ये होता है। भाई ने आपसे पूछा कि जी आपका किस तरीके से आप बेनिफिशरी, दो इसके अंदर मार्जिनल विटनेसेस पे इशू है उनके सामने हुआ है, पहले तो आप ये शुरू करें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके अंदर एग्जीक्यूट वगैरह किए, मैंने उससे प्रूव किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से आपके अगेंस्ट है कि फिर भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, मगर आपको इतना बड़ा उसने दरवाजा दे दिया कि आपने डिटेल लिखी नहीं हुई तो, और नीचे ओरिजिनली गलती भी यही हुई है, आप ओरिजिनली मुकदमे नीचे दोनों जगह के ऊपर हारे हैं, मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी और सिविल कोर्ट के अंदर, इसी वजह से हारे कि उन्होंने कहा कि सही होगा रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, और वो इसलिए होगा क्योंकि दोनों वकीलों ने ये नीचे इशू रेज भी किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके क्लिक करके और अवेलेबल होगा। तो मेरी आपको तमाम दोस्तों से ये सजेशन है कि ये जो एविडेंस आपको पकड़ाई थी वो इसलिए नहीं पकड़ाई थी कि आप उसको पढ़ के देर इज अ फॉर्मल वे इन विच यू से कि DW1 का ये है, तब जज एंड के सामने ये कहते हो पढ़ेगा उसका जुमला पढ़ो वो अंडरलाइन करवाओ या नोट्स बनवा के दो अपने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स दो कि जी इसने कलाम पेज पे ये लिख के दिया है, ताकि आप जजमेंट जज की लिख तो नहीं सकते लेकिन एक तरीके से उसको लिख के दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ है, अगर वो आपके साथ जा रहा है तो उसकी भी सहूलत होगी। केस आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, आपके हाथ से ये एविडेंस इसलिए आपको दिखाई है, ये चीज़ें पढ़ के कीड़े इनमें से आपने निकाले हैं, इनके साथ मुकदमा जीतना और हारना है, प्लेन्स वगैरह एम एन काल पाई का पेट नहीं भर रहे होते, इन पर खेला जाता है। बट अच्छी बात है यार, पहले 30 सेकंड में लगा था कभी मिले, उसके बाद फिर बोलना शुरू किया तो कुछ आ गया यार, कितना ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है, मैंने कहा मेरे साथ आपको आसानी रहेगी फाइनल आर्गूमेंट्स में तरतीब से चलने से आसानी रहती है पेज वाइज अपनी फाइल। एक तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जब प्रोफेशन में जाएंगे ना तो हमारे भी क्लर्क्स हैं या जूनियर होते हैं, जब फाइनल आर्गूमेंट होते हैं तो उनमें कुछ पेज मिसिंग होते हैं, फाइल मुकम्मल नहीं होती, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसका हमेशा ख्याल रखना है कि फाइनल आर्गूमेंट्स के टाइम आपका फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक आपकी फाइल कम्प्लीट होगी, आपका ब्रीफ में हर चीज़, और जब आप प्रिपरेशन उसकी शुरू करें और आर्गूमेंट्स ओपन करें तो आपने पहले प्लेन को देखना, जो उसके बाद आपने रिटर्न स्टेटमेंट देखनी, फिर आपने देखना है कि उसमें से जो इश्यूज रेज हुए हैं वो क्या थे, फिर आपने जज साहब को ये नहीं समझना, ये समझना कि जज को कुछ नहीं करना, आपने उसके दिमाग में डालना है वो एम्प्टी माइंडेड आपके सामने रखना है, गेम नहीं ये रखना, वो खुद से कुछ नहीं करेगा, आप उसे कन्विंस करेंगे कि आपने ये करना। जब ये कन्विंस करने की ख्वाहिश आपके अंदर होगी और ये होगा ना कि मैं कन्विंस करके जाऊँगा, फिर भी कोई कन्विंस नहीं,
उसमें इशू जब फ्रेम होंगे उसके बाद एविडेंस आप पढ़नी शुरू करेंगे तो आप PW से जब शुरू करेंगे कि PW1 इसके लिए आया और उसका स्टेटस क्या, वो कौन था, PW1 पढ़ते रहे मुंबई, PW2 कौन है, PW3 कौन है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट आया है सर ने बताया कि एजुकेट इतना डॉक्यूमेंट इसमें इतना चीज़ है, ये सारी चीज़ें जज के सामने जब फाइल पड़ी होती है तो वो अंडरलाइन कर रहा होता है आपके आपको जो से कन्विंस चीज कर रही होगी वो साथ साथ उसे हाईलाइट कर रहा होगा, ये हाईलाइट आपने करवा दी कि इसकी स्टेटमेंट में लाइन नंबर ना पे आप गौर फरमाएं कि ये चीज़ देखी है इन्होंने ये कहा है जिन्होंने ये कहा है। तो जब तक एविडेंस वाला वही सर वाली बात है वो पोर्शन मिसिंग हो जाएगा दरमियान से तो फिर आर्गुमेंट्स कहीं नहीं रहेगा, एविडेंस ही आपने निकालनी है सारी चीज़ें क्योंकि दोनों के पास फाइल तो नहीं थी, जीतेगा वो जो उसमें से वो चीज़ निकाल लेगा जो उसे चाहिए उसे ढूंढना, और मेरे सीनियर है कांग्रेस दफ्तर साहब सुबह के जो एक्सर तो वो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एग्जाम से अभी जाता जाता हूँ दूसरे के लिए तो उन्होंने एक दिन बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा जब आप फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए जाएँ तो ये बात का होता है एक दिन तैयारी करके गए अदालत में पेशी कर दी आर्गूमेंट्स के लिए अगली दफ़ा आप फाइल नहीं खोलो कि हमारे ब्रीफ को क्या है, ठीक है उनका हर दफ़ा फाइल को खोलो और जितनी दफ़ा आप फाइल पढ़ेंगे आप उसमें से कुछ नया मिल जाएगा। और आप यकीन करें वही एक फाइल मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक ही फाइल होती है जब मैं उसे 10 अलग दफ़ा पढ़ता हूँ तो 10 अलग चीज़ें उसमें से निकल आती हैं, तो ये आपने ख्याल रखना है आप सब दोस्तों के लिए। बाकी आपने ज़बरदस्त किया है ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम भी इसी तरह शुरू हुए मुझे नहीं मैं अटलांटिक जी सबसे पहले मैं ऑनरेबल कोर्ट को जो है वो हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ से अराइज होता है वो पढ़ के सुना देता हूँ कि हमारा जो वालद है। जनाब की इजाज़त के साथ मैं एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहूँगा, प्रिलिमिनरी इसके अंदर नुकता था लिमिटेशन का, वो अगर पहले एड्रेस कर लिया जाए उसके ऊपर करके बिकॉज बाकी मेरिट के ऊपर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, लिमिटेशन का नुकता पहले अगर एड्रेस कर लें तो उसके बाद इट इज़ अ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स दैट इन इनहेरिटेंस मैटर जो है लिमिटेशन जो है उसका कोई इसके साथ इफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए मेरी ये सबमिशन है ऑनरेबल कोर्ट से कि इसमें इनहेरिट जो है लिमिटेशन का जो पॉइंट है वो टू वैलिड पॉइंट नहीं है, इसलिए मेरा सूट जो है वो मेंटेनेबल है और इसको जो है वो सूट है। थैंक यू सर। फैक्ट्स की तरफ अगर जाके देख लिया जाए मेरे भाई ने तो ना कोई जजमेंट जनाब को दिखाई है ना उन्होंने आपके सामने कोई एविडेंस के अंदर बीच में पॉइंट आउट किया। मैं पॉइंट आउट ये करना चाहूँगा कि 22 साल के बाद इन्होंने जमा करवाया है, एविडेंस के अंदर अगर जनाबे वाला देखेंगे तो जब वालिद फौत हुआ है तो वहाँ पे विटनेसेस ने आके कहा है कि बहनों को नॉलेज हो चुका हुआ था, दे सैट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर 18 ईयर्स। हाँ इनहेरिटेंस के अंदर वहाँ पे कंसिडर थोड़ा बहुत स्कोप दिया जाता है, जहाँ पे इस नॉलेज नहीं होती वहाँ पे ये बेनिफिट देख लिया जाता है, मगर यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर इस्टेब्लिश है कि 18 साल पहले पता चल गया था और 18 साल पता चल गया था। DW2 ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा, इनके अपने विटनेस ने आके यहाँ पे ये कहा है PW4 के अंदर के वहाँ पे जब वालिद फौत हुआ तो वहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हुई थी और वहाँ पे ये हिस्से वगैरह की बात हुई थी
और वहाँ से उन्होंने ये एडमिट किया है, तो ये प्रिलिमिनरी नुक्ता इस नौत का नहीं है। जनाब का वक्त ज़ाया किया जा रहा है यहाँ पे, अगर मेन एविडेंस के ऊपर अगर जाया जाता है, बिकॉज एविडेंस के ऊपर अगर टाइम बार्ड है दावा, तो बाकी चीज़ मेरे पर डलने की ज़रूरत ही नहीं। अगर जनाब ने दावा का ज़िमन नंबर 4 देखें, तो मैंने उसमें ये बात बड़ी वाजिया तौर पर ज़िमन नंबर 6 में बड़ी वाजिया लिखी है कि जो है जो वालदम की जो है वो वफात के बाद जो है ये हमें बाकायदा हर जो है फसल के बाद हिस्सा बटाई जो है हमें अदा करते रहे हैं, और इस वजह से जो था इसमें PW1 जो है उसकी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो उसमें भी हमने यही चीज़ की है कि जब 40वें की ये मैंने अपने जो है सफ़ा नंबर 86 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें मैंने ये लिखा है अपने चीफ में कि मैंने अपने दावा में 40वें वाली बात लिखवाई है, मैंने अपने अर्जी दावा में ये बात भी लिखवाई थी कि 40वें का मौका था और 22-23 साल कबल हम कमरदीन के घर बैठे थे। जब मेरे वालदम की वफात हुई उसके बाद जब 40वां था उस दिन हम अपने वालदम के घर बैठे हुए थे, उस दिन मेरे भाई साहब वहाँ पर मौजूद थे, PWs वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर ये बात हुई कि अब जो है वो जो आपके वालिद की जो इनहेरिटेंस है उसका क्या बनेगा, जो लैंड है या बकिया जो मामलात हैं उनका क्या बनेगा। तो वहाँ पे जो जनाब डिफेंडेंट साहब हैं इन्होंने, जो अयूब साहब हैं इन्होंने ये बात बड़ी वाजह तौर पे वहाँ पे बकायदा अलानिया तौर पर ये कही थी कि मुझे के कहा कि विरासत का इंतकाल मेरे और हम तीनों बहनों और मेरी तीनों बहनों के नाम कमरदीन की विरासत का इंतकाल हो गया है, मुझे इलम ना। अच्छा, इसमें यह है कि फिर इन्होंने शैटर्ड करने की हमें पूरी कोशिश की अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में, जहाँ पे इन्होंने बार बार पूछा कि जनाब चलिस्मा किस जगह पे हुआ था, किस जगह पे बैठ के ये बातें हुई, किस जगह पे आपने, आप कह रहे हैं किस टाइम ये बातें हुई, ठीक है, या इन्होंने कहा जी ये आपको वकील साहब ने, आप ये चीज़ें किसी भी जगह पर ये जो है मेरा करेक्टर जो है वो शैटर्ड नहीं कर सके। हर जगह पे जो है वो जो मैं इसको अपने केस को जो है वो वेल एस्टेब्लिश तौर पर मैंने इसको साबित किया है। और इसमें अगर हम देखें इनका जो PW है जनाबे वाला, आपकी इजाज़त के साथ मेरे दोस्त ने यहाँ पे ये कहा है कि हम शार्टर नहीं कर सके, मैं इनको PW1 अपनी इनकी स्टेटमेंट के अंदर से चंद जुमले जनाब के सामने पढ़ूंगा। अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये फरमाती हैं मोहतरमा एक बहन, मेरे बाप के फौत होने के 1 साल के बाद मुझे पता चल गया था कि मालिया अयूब के नाम पर आता है। जब मुझे पता लगा मैं कि मालिया मेरे नाम ना आता है तो मैं पटवारी के पास गई थी। हमने पटवारी से पता करने के 18 साल के बाद दावा दायर किया है। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट है PW1 की, ना शैटर करने वाली तो बात यहाँ पे अराइज होती ही नहीं। मोहतरमा ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर खुद एडमिशन कहा है कि डेट ऑफ नॉलेज वॉज 18 ईयर्स अगो। माना के दावे के अंदर इन्होंने स्टेटमेंट और एक मिस स्टेटमेंट बाद में लिमिटेशन बाद में बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने अपने एविडेंस के अंदर जब ये लिख डाला तो उसके बाद एडमिशन के बाद लिमिटेशन का हर्डल पास करेंगे तो कुछ और पढ़ा जा सकता। हजूरे वाला, जहाँ तक बात है कि मालिया की, तो मालिया की बाबत जो है अब गांव में जो है अनपढ़ एक औरत है वहाँ पे बेसिकली यही मामला चलता है वहाँ पे। अब ये तो रेवेन्यू के मामला तो एक औरत जो है या अनपढ़ जो औरत है वो तो समझ नहीं सकती। और जहाँ तक बात है मालिया की, तो हम तो खुद ये बात कहते हैं कि जो ज़मीन है वो हमारा भाई जो है ये काश्त कर रहा था, लेकिन हमें बाकायदा तौर पर हिस्सा बटाई हर फसल के बाद अदा करता था, हमें हिस्सा बटाई देता था। इसलिए जहाँ तक बात मालिया की है तो मालिया तो जारी सी बात है, फिर बात यहाँ पे हम ये कर रहे हैं जो काश्तकारी है काश्तकारी भाई कर रहा है, और जब काश्तकारी भाई कर रहा होगा तो मालिया भी वही अदा करेगा जो काश्त कर रहा है, वो मैं नहीं पे करूँगा। जनाबे वाला, इसके अंदर मैं जनाब के सामने यही दोबारा पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इनकी जो आपके सामने लाइंस पॉइंट आउट की गई हैं, दे देमसेल्फ शी हरसेल्फ हैज एडमिटेड कि 18 साल पहले पता चल गया था कि कोई मामला है। इसके लिए ये उठ कर पटवारी के पास गई, पटवारी ने इनको सारे के सारे ट्रांजैक्शन का पता दिया। मालिया काश्त कौन कर रहा है ये इररिलेवेंट चीज़ें हैं। वंस 18 साल पहले मेरे नाम के ऊपर गिफ्ट इनके सामने इस्टेब्लिश हो गया, तब उसके बाद इन्होंने 3 साल के तहत चैलेंज करना था, इन्होंने 3 साल के अंदर चैलेंज नहीं किया। अब लिमिटेशन, दे आर हिट बाय लिमिटेशन, और उससे आगे कोई चीज़ ही नहीं जनाब के सामने रिस्पेक्टफुल इस्तेदार। हजूरे वाला, फिर वही बात कि मैं यही बात कह रहा हूँ कि डेट ऑफ नॉलेज जो है वो हमारे नॉलेज में उस वक्त सिर्फ मालिया की हद तक जो बात की जा रही है वो भी हमने खुद
जो है वो इसकी पड़ताल करने की कोशिश की कि अगर हमारे ज़िम्मे को मालिया निकलता है तो हम उसे अदा करें, लेकिन चूंकि अब उस टाइम जो है वो मालिया उसी के नाम पे पे होना था जिसके नाम पे जो था वो जो काश्तकारी कर रहा था, खसरा गरदावरी के हद तक जो है वो इनके नाम पे वो है, हम भी ये बात तस्लीम करते हैं, लेकिन जो इंतकाल की बात है, इंतकाल का पता जो है वो हमें अब लगा है और जिस दिन हमें पता चला उसके फौरन बाद विद इन लिमिटेशन जो है हमने ये केस दायर किया है। जी जी मेरा ये था जी, वही उसका मालिया अदा करेगा सर, इसके लिए आज जनाब मुझे एक डेट दे दें, मैं इसको जो है भाई भाई को यार मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई, मुझे ये नहीं समझ आई तुम मेरे साथ तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहा के ये अपनी बारी में बोले, अब सीधा सीधा मुझे ये नहीं समझ आई तो कि तुमने अभी मैंने कुछ 20 मिनट बोला है फिर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने ये कहा कि जी इन्होंने ट्रीट ही नहीं किया हुआ कि इसके डिटेल्स ऑफ गिफ्ट तो तब एस्टैब्लिश होता है जब ये है ये लिमिटेशन वाली काम पे ये सारी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन जी हजूर वाला मैंने तो किया, अब इसमें कुछ अथॉरिटीज भी मैं जो है वो मोबाइल नहीं है मोबाइल दे नहीं मुझे मैं जब साहब को मोबाइल को गिफ्ट एट द टाइम ऑफ सर 2014 SCMR 1181 लेके जा चुके हो अच्छा थैंक यू सर, काउंसिल की गैर मौजूदगी में फैसला मेरे हक में हो गया है, थैंक यू चलें सर चले ठीक है कोई मसला नहीं, मेरा जो दावा है वो दावा इस्तकरार हक का है जिसमें एक वालिद साहब हैं जिन्होंने अपने बेटे के नाम जो है वो जगह जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है और जो बेटियों का हिस्सा है उसको निगलेक्ट किया गया, उसको मतलब नहीं दिया गया, जो कि ये बात जो है उन बेटियों को अपने वालिद साहब उनके जो वालिद साहब हैं उनकी जब डेथ हुई थी तब उस उनको पता चला कि हमारा तो हिस्सा हमें नहीं दिया गया। आपको 18 साल पहले पता चला आपको पता ही नहीं था मालूम ही नहीं 18 साल के बाद पता चला 18 साल के बाद पता चला कि उनका जो हक है वो मारा गया है, उनका जो वेस्टेड राइट है उसकी वायलेशन की गई।
ये बात उनको तब पता चली जब वो अपने भाई से अपने हिस्से की उन्होंने डिमांड की, उनसे कहा कि हमारा हिस्सा दिया जाए या हमें मतलब जो भी उनका बनता है वो दिया जाए, लेकिन मतलब उसने इनकार कर दिया, जो कि उसकी मेल ऑफ आईडी जो है शो करता है। और एक माह पहले ही मेरी जो साइला है साइलीन को पता चला कि हमारे भाई मतलब उसके भाई ने उनको क्या यार आप ये भी उनको भी कह सकते हैं कि मुझे या हमें जब ज़्यादा पेंटिंग है तो आप क्या हमें इतने तक पता चला ये बड़ी मुश्किल है ना, तो तो जनाबे आला ये जो म्यूटेशन हुई है ये जो है वो वास्टर ड्राइव की वायलेशन है और इसको सेट असाइड किया जाए और हमारा जो हक है हमें दिया जाए। विद परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट आई वांट टू प्रोसीड फ्रॉम डिफेंडेंट साइड। थैंक यू वेरी मच सर। After the institution of the suit, the defendant appeared before this honorable court and submitted the contesting written statement, and our main objection is the objection of acquiescence. Acquiescence is a rule which was laid down by the honorable superior courts that ki ek cheez aapke samne hui hoti rahi aap usko observe karte rahe aapne uske upar suit nahi kiya aapne koi itraz nahi kiya। रूल ऑफ एक्विसेंस जो है आपको बाद में उस राइट को हासिल करने से जो है रोकता है सर। दूसरी सर ये बात है कि ये जो इनका सूट है इन द प्रेजेंट फॉर्म मेंटेनेबल ही नहीं है और ये जो सूट है मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर में आता है। ये एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए गए हैं कि विद द कन्वीनियंस ऑफ महकमा माल रेवन्यू डिपार्टमेंट द इम्प्यून म्यूटेशन वाज सैंक्शन, बट उनको फरीक ही नहीं बनाया गया जिनके खिलाफ ये रिलीफ क्लेम कर रहे हैं। तो इनका दावा इसी बुनियाद के ऊपर मेंटेनेबल नहीं है सर। उसके बाद सर आई वाज बेनिफिशियरी ऑफ द सेड म्यूटेशन बट एज पर द लॉ एंड द इंटरप्रिटेशन मेड बाय द ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स इन्होंने अपने प्लेंट में उस फ्रॉड को एस्टेब्लिश करना है, उन्होंने सरकमस्टांसिस डिवेल्प कर बयान करने हैं अपने प्लेंट में कि इस तरह से हमारे खिलाफ इन इन बंदों ने जो है कन्वीनियंस करके जो है फ्रॉड किया है, क्रैमस करके जो है वो फ्रॉड किया है, उनको इन्होंने इन द एरिया ऑफ डिफेंडेंट प्लेस करना है। तो यहाँ जो है सर टोटली जो है ये फेल हो गए हैं प्लेंटिव साइड जो है, इन्होंने उस फ्रॉड को अपने प्लेंट में जब बयान ही नहीं किया तो बर्डन जो है वो मेरे ऊपर शिफ्ट ही नहीं होता। तो ये एक नेचुरल और यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि ही हु अलज हैव टू प्रूव सर। अब दावा जो है इन्होंने अपना साबित करना है थ्रू इंस्पायरिंग कोगेंट एंड ट्रस्टवर्थी एविडेंस सर। अब इनकी जो एविडेंस आई है ऑनरेबल कोर्ट में इन द फॉर्म ऑफ PWs तो ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि बिफोर 18 ईयर्स वी हैव नॉलेज रिगार्डिंग द सैंक्शनिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ दिस म्यूटेशन सर। तो यहाँ पर जो है ये जो दावा है सर वो बैडली barred by law of limitation है और honorable court जो है खुद भी as per section I think फोर section 4 of the limitation act जनाब जो है इन सो वोटों भी इसको पारित कर सकते हैं सर। फर्दर जो सर मेरा इसमें जो ऑब्जेक्शन है सर वो कोर्ट फीस का है सर। इनकी जो बेसिक प्ली है सर बेसिक जो रेमेडी क्लेम कर रहे हैं वो कैंसिलेशन है सर। अगर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को हम देखा जाए तो उसके कैंसिलेशन के अतबार से भी सर जो है इनको जो है वो कोर्ट फीस अदा करनी चाहिए सर। तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी ये दावा जो है वो लाइबल टू बी रिजेक्टेड है सर पेंट जो है। तो इसके बाद सर एडमिशन इनकी तरफ से हैं सर अपनी एविडेंस में। हमने जो है सर
जब बर्डन हमारे शोल्डर्स पे शिफ्ट होगा उसके बाद ही हमने वैलिडिटी है, अथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट है वो हमने साबित करनी है। जब प्लेटिव साइड खुद ही फेल हो गई है उसके बाद सर हमने एज ए डी डब्ल्यू वो तमाम गवाहान पेश किए हैं, दोज वर द सिग्नेटरीज ऑफ द इम्प्यून म्यूटेशन जो मौके पे मौजूद थे, जो मौके पे मौजूद थे हमने एज ए डी डब्ल्यू उनको पेश किया है। इन्होंने इनके ऊपर सर जो है एट लेंथ क्रॉस एग्जामिनेशन किया है मगर कोई ऐसी बात जो है वो सामने लेकर नहीं आ सके जिससे जो है वो डी डब्ल्यू की कन्वाइंस या मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो साबित हो सके। अब उसके बाद जो है सर जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के वो प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। एक बंदा अगर प्रॉपर्टी का मालिक है तो वो किसी भी वक्त किसी भी शख्स को किसी भी तरह से ट्रांसफ़र कर सकता है। उस बंद अगर कोई ऐसी बात थी जो एलिगेशंस नहीं हैं इनके ओरली जो सबमिशंस पेश हुई हैं प्लेंटिव साइड से कि इन्होंने जो है ओल्ड एज में जो है पेश ये हुआ है मेरे वाले साहब का जिनको इलाज कर रहे हैं तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया कि वो बीमार थे किसी वो डिसीज़ में मुबतला थे, अपने जो डेली रूटीन के जो मैटर्स हैं उनको वो नहीं रन कर सकते थे, ऐसा कोई सबूत जो है इन्होंने पेश नहीं किया। ये इनकी ड्यूटी थी पेश करना क्योंकि इलाज इन्होंने किया है। तो उसके बाद ये है कि ना ही किसी डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसा सर्टिफिकेट पेश हुआ है जिससे हो कि वो अनेबल थे अपने जो डेली रूटीन के काम करने से। उसके बाद ये है कि सर जितने भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे हमारी तरफ से हमारे रिटर्न स्टेटमेंट में और जो इश्यूज़ फ्रेम हुए जिनका ओनर हम पे था वो हमने साबित कर दिए हैं। विद दीज हम्बल सबमिशंस इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड दैट सूट विद हैवी कॉस्ट बी डिसमिस्ड। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंट फॉर्म यस टू एंटर और नॉन ज्वाइंटर में आ गया है तो सर ये जो है हम इसको इसके पीछे एक जो है एंट्री के पीछे जो पूरे एक फैक्टर है जो सारे नौजवान हैं वो उनका साबित होना बहुत सही नहीं है। तो इसमें सर ऐसा है कि जो इंटरप्रिटेशन है इस पॉइंट के ऊपर वो मिक्स्ड है सर, वो जो है एक साइड से यूनिलेटरल या क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि अगर आप फरीक नहीं बनाते तो आपका दावा मेंटेनेबल है सर। तो इसमें जो पहली के बारे से आप क्या कहेंगे कि ये जो रिकॉर्ड है इसे रिकॉर्ड भी लिया जाए तो मैं एंट्री सिर्फ ये बताती है कि ये अंदाज जो है ये जिस वक्त तक टाइटल जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं होता जब तक वो अपने फैक्ट से उसे प्रूव कर रहे हैं। तो सर हम फैक्ट से इसलिए प्रूव कर रहे हैं कि being the beneficiary of that document we have produced the attesting witnesses marginal witnesses who were present when the this mutation was sanctioned in the presence of the witnesses we have produced as DWs they have recorded their statement and cross examined by the plaintiff side but they have failed to get anything contradictory sir again I want to request before the honorable court plaintiff side has to prove sir aapka sawal hai sir date time and
डेट तो वही है जिसके ऊपर मंजूर हुआ है, सैंक्शन हुआ है सर, एडमिटेडली ये तो एडमिटेड फैक्ट है सर, इस साइड पे एडमिट कर रहे हैं वो एक बात को। जिन्होंने वो हमें ट्रांसफर हुआ है, लीगली सर ट्रांसफर हुआ है, हमारा पीसफुल पोजेशन है, लॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रीज है सर, पब्लिक रिकॉर्ड में है, प्रजम्पशन ऑफ ट्रूथ उनको हासिल है। प्लेंटिव साइड का जो स्टांस है, जब तक साबित नहीं होता जो पब्लिक रिकॉर्ड के एंट्रीज हैं उनको प्रजम्पशन ऑफ ट्रूथ है, उनको रिबट नहीं किया जा सकता। आपने कहीं जब आपने अलेज किया कि ये इमिग्रेशन ये बहुत सारी चीजें जो ये हम आपके इसलिए कह रहे हैं, जब आप any question can come आपकी साइड से कुछ भी, इधर से कुछ भी आ सकता है। समुंदर है इतने पॉइंट्स हैं और हाँ बिल्कुल फैक्चुअल सर्कमस्टांसिस हैं, मतलब कॉमन सेंस है। और दिस इज वेरी, मैं जिस चीज़ से डरती थी ना अपनी सारी जिंदगी, मैं कभी लो ये मूट वगैरह में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, बट थैंक गॉड आज मतलब आई शायद आपके आर्गुमेंट्स के बाद जज शायद आपके साथ ही जा रहा हूँ, मैं इनके साथ कर भी रहा था जी सर, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स के दौरान जो आपके एक्सप्रेशन थे आप उधर ही अपना मुकदमा आ गई, बिकॉज आपको लग रहा था कि जी आप अभी रोई हैं कि अभी रोई हैं वगैरह सारे का सारा होना तो है। आपके सामने कैसे कहूँ सारे दोस्तों को कि ये मुकदमा खारिज होता है कि उसने प्लीडिंग किया हुआ, आप तीसरा बंदा है, मैं चीफ चीफ के कह रहा हूँ आपका नुकता ही है सदा सदा जाती पीएचडी किया वो करे बाकी सारी चीजें रह जाए। आप यहाँ पे जब आते हैं और मैंने जो एक चीज अपने भाई के साथ की थी इनके साथ, आप क्यों मौका देते हैं, आप अब कोशिश करें कि खींच के अपनी साइड पे ले आए, अपनी स्ट्रांग नुकतों के ऊपर गेम के ऊपर उसको खिलवाएं, या तो अगर आपको वो आप मुकम्मल तौर पर बहुत फेयर आपने खेलना है तो वो ठीक है आपको मुकदमा तहस नहस कर देगा, जज कहेगा कि 100% उसका रेंज बन जाएगा, वो कहेगा रेंज के मरत का कोई केस ही नहीं खत्म। आपके साथ केसेस सारों के सामने एक ही मवाद है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, वीक परफॉर्मेंस, एडवोकेसी का स्कोप कितना है, आप जो किसी से टाइम भी मंगवा सकते हैं जीते हुए केस के ऊपर उसका, और आप अपने के ऊपर अपनी तरफ से भी कर सकते हैं,
या आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट केस है आप अपना पॉइंट ना करें, बाद में जाके कहेंगे यार वो इन्वेस्ट कर गया ना देख रहे हैं, या फिर आप लिमिटेशन के ऊपर इधर से चढ़ाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीजें जो आपके पास है जहन में रखें, ये जंग है, मारना नहीं है मगर जहन के लिहाज से जंग है और ये आखिरी मारका है। पिछले 3 साल तक क्या करते रहे अगर आपने ये एविडेंस जमा किया इस्तेमाल नहीं करना, फाइव फिंगर टिप्स पे अगर नहीं है तो क्या करते रहे, अब आप क्या कर रहे हैं, हमारा किस चीज के लिए पैसे लिए थे, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें। और मैं कह रहा हूँ वैसे भी मत पर्सनली और ना हो, लड़ाई मार कुटाई ना करें, आपका जाती नहीं है केस, लेकिन अग्रेशन उसको गलत साबित करना है। जज से आपने अभी तक किसी बंदे ने ये नहीं लिख के दिया या पॉइंट आउट किया कि जज ने फैसला लिखना है, उसको मवाद तो बताओ, TW1 की स्टेटमेंट में फलां पेज के ऊपर ये लिखा हुआ ये है। वकालत का बेसिक प्रिंसिपल सब कुछ छोड़ दो, एक बंदा बैठा हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है, थोड़ा बहुत मस्का भी लगाना चाहिए ना जज साहब को, जज साहब आप तो बिल्कुल समझते होंगे, जज साहब आपको कैसे बताने की जरूरत, आपको ये वगैरह आपकी नॉलेज वगैरह का तो हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते, ये वो आप वकालत है इसके, इस बंदे आपकी अना आपका क्लाइंट आपका आप दूसरी पार्टी का इररेलेवेंट, इस बंदे ने कागज के ऊपर लिखना है दैट इज व्हाट वकालत इज अबाउट, इस बंदे से आपने कागज में अपने फेवर पे लिखवाना है और दूसरे के खिलाफ लिखवाना है, मवाद नहीं दोगे तो जज ने नहीं कोई उसके पास और भी बेहतर मुकदमे, उसने नहीं बैठ के लिखना, रिटर्न आर्ग्यूमेंट दोगे उसको भी ये है जनाबे वाला मैंने अंडरलाइन भी कर दिया फलां पेज के ऊपर, ये भी है ये भी है मैंने टैग कर दिया, ये सारे उसके लिए सहूलत करो, एक दफा सहूलत ही जीत जाते हैं, केस नहीं होता, सहूलत ही जीत जाते हैं। दूसरे बंदे के पास 12 जजमेंट्स हैं, कहता मैं जजमेंट भेज दूंगा, जनाब को तो पता ही होगा वो जजमेंट नहीं देता, मेरा एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट चल जाती है। स्टफ लाइक दैट ये आप करें, आपकी आंखें खोलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, सारी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लॉयर भी आपके सामने हैं, सीनियर जूनियर ये वो वगैरह, आप अब यहाँ पे अगर शुरू करें देयर इज नो रीजन व्हाई आप रजा काजिम साहब को नहीं हरा सकते, आप इतजाज ऐसे पूरे हरा सकते अब ये सारे आपका इम्पोर्टेंट चीज ये, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नो, और ये मौका है, और ये भी लिख लो मैडम का आपको मैं कमरा देता हूँ इस चीज का कि वो कहती है कि मैं स्टूडेंट जॉब के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं नहीं मूड के अगर कहती थी कुक क्या है, आप सारे यहाँ पे क्यों बैठे हो सुबह से, बात तो ये अगर इधर नहीं करोगे मैं हाथ जोड़ा तो फिर वकालत में क्या करने के लिए आ जाओ, घर जाओ, इफ यू कांट आर्ग्यू बिटवीन फ्रेंड्स आपके हाथ में कोर्ट में जहाँ पे स्टेक्स क्लाइंट आपके पीछे पड़ा होगा सारी रात आपके पीछे पड़ा होगा मुकदमा सुबह एक मिल जाएगी जमीन वगैरह, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, चलो मेरी दहशत की वजह से नाना साहब की दहशत की वजह से आप ये नहीं बीच में मैडम की वजह से आप यहाँ पे इतने लोगों के सामने नहीं करें, आपस में कोशिश करो, वकालत में मुंह नहीं खोलोगे तो हार जाओगे, वकालत में मैच नहीं करोगे तो हार जाओगे, ये जब तक नहीं करोगे अगर लुआज मार नहीं है तो गलत प्रोफेशन में आ गए, मैं इतना घबराहट कह रहा हूँ बट ये चीज आपको अपने आप को रोज शीशे में देख के करनी पड़ेगी। और मैं एक चीज बताता जाऊँ बोली जा रहा मेरे से ज्यादा बेदा बंदा बोलने में कोई फाई नहीं, मैडम इस का मैं कोई पॉइंट आउट कर रहा था मेरे से 2 लफ्ज नहीं बोले जाते थे, एक से कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया, बाहर से डिग्रियां की, मैं बड़ा जायजा भुगतान वगैरह नहीं टांगे कामती थी, मेरे से 2 लफ्ज नहीं बोले जाते थे और मैं मेरी अभी भी टांगे कामती है वो ठीक है, देखो जो क्वालिटी चीज इसके तरह अगर मैं वो कर सकता हूँ वो यहाँ पे आपके सामने बैठ कर तो मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ आप मेरे से मिलो बेहतर हो, और मैं अगर अपने आप को अप्लाई करोगे तो आप मेरे से मिलो आगे चले जाओगे, सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा से आपको नहीं कर रहा लेकिन मेरे से ज्यादा से मिलना पता भी नहीं है इसका मैं नहीं कर मैडम से भी ज्यादा है, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत ज्यादा है, आवाज मेरी आप देखिए मेरे से मिसमानी की आवाज देखी तो कोई कवा जैसा कहता है कोई लड़की जैसी कहता है, बट अगर मैं बीच में कर सकता हूँ और मैं मुकदमे अगर जीत सकता हूँ तो आप मेरे से बहुत बेहतर हैं। करना तुम्हारा
मकसद है। तो जिस सत्ता मार को मैं बोलना है कि दबर मैं करता हूँ मैं करता हूँ, ये कॉन्फिडेंस होगा जो जीतूंगा नहीं तो प्रोफेशन में ले जाऊँ, ये अपने आप को करना पड़ेगा। और प्रोफेशन में आपको घर में भूखे हो, कोई कमाई नहीं है, मुकदमे नहीं मिलेंगे, वो बोलना ही नहीं है कोर्ट में, कोर्ट में नहीं बोलोगे, क्लाइंट ने तुम्हें सारी रात बैठ के तैयारी करवाई है, सारे जो मेन नुकते हैं तुम वहां पे जाके भूल गए हो या तुम वहां पे नहीं बोले और उसकी घर उसकी जमीन उठा के किसी और को दे दी तो तुम किस काबिल हो, तुम्हारे पास कौन बंदा आएगा, मैं क्यों पैसे मिलते तो लोग मुकदमा करने के लिए दें, मैं लाइसेंस ही क्यों बीच में दिया गया, अगर नहीं करना चाहते अगर बोलते हैं कि लाइसेंस को इस्तेमाल नहीं करोगे गाड़ी नहीं चलानी तो लाइसेंस क्यों दिया गया, ये प्लीज अपना कर लो, इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिलना यहाँ पे, आप बात को खुद खुद अगर तैयारी नहीं यहाँ पे बीच में बात करने की, आप लोग अगर कोर्ट रूम में खामोश रहेंगे ना या कुछ भी आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे तो आप मुकदमा जो हारेंगे अपना क्लाइंट भी हार के आएंगे, आप आर्गुमेंट जरूर करें कोशिश जरूर करें, अगर एक केस आप मूव भी कर जाते तो एटलीस्ट आपके क्लाइंट का कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना चाहिए।